الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. अजीज साथियों, एक दफ़ा फिर अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको किचन आई लिटरेचर क्लास में खुशामदीद कहती हूँ। आज की क्लास का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से है। तैयबा जी से दरख्वास्त है कि प्लीज़ आप तिलावत कीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ। तर्जुमा है अलिफ लाम मीम। ये अल्लाह की किताब है, इसमें कोई शक नहीं। हिदायत है उन पर हेजगार लोगों के लिए जो गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं, जो रिस्क हमने उनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं। जो किताब तुम पर नाजिल की गई है यानी कुरान, और जो किताबें तुमसे पहले नाजिल की गई थी उन सब पर ईमान लाते हैं और आखरत पर यकीन रखते हैं। ऐसे लोग अपने रब की तरफ से राह रास्त पर हैं और वही फलाह पाने वाले हैं। जिन लोगों ने इन बातों को तस्लीम करने से इनकार कर दिया उनके लिए यकसा है, हाँ तुम उन्हें खबरदार करो या ना करो, बहरहाल वो मानने वाले नहीं हैं। अल्लाह ने उनके दिलों और उनके कानों पर मोहर लगा दी है और उनकी आंखों पर पर्दा पड़ गया है, वो सख्त सजा के मुस्तहिक है। सदाकल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा तैयबा जी।
अजीज साथियों, अब हमारी ऑनरी मेंबर, आज चूंकि हमारा पहला सेशन है लिटरेचर क्लास का, तो इसके हवाले से क्लास की अहमियत और ज़रूरत पर बात रखेंगी इंशाल्लाह। हम मुजयन जी को दावत देते हैं कि प्लीज़ आप अपनी बात रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आवाज़ आ रही है? जी मुजयन, आपकी आवाज़ बिल्कुल साफ आ रही है। अच्छा ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्राहली सदरी वयस्सिरली अम्री वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़हिना फ़िद्दीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे लगता है कि क्लास की ज़रूरत और अहमियत के हवाले से बहुत सारे पहलू ऐसे हैं जो कि आपको वक्त बताएगा, और चीज़ें जो हैं वो इंशाल्लाह ताला खुलती चली जाएंगी वक्त के साथ साथ। मैं बस मुख्तसरन इतनी बात रखती हूँ कि इस क्लास की ज़रूरत बहुत देर से महसूस की जा रही थी, और हमारी ये ख्वाहिश थी कि हमारे वो तमाम अफराद जो मिलकर एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, उन्हें शऊर हो, गहरा शऊर हो कि ये साथ चलना क्या चीज़ होता है, कैसे चला जाता है, इसके क्या मसाइल हैं, इसकी क्या मुश्किलात हैं, इसको कैसे हल किया जाए, कैसे डील किया जाए, क्या सीखा जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाहिर है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर चीज़ तो आती रहती है, लेकिन इकट्ठे बैठकर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर सीखने का ख्वाब था आप ये कह लें, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नई प्लानिंग के तहत फिर वो शर्मिंदा ताबीर हुआ। और उसमें यकीनन बहुत सारे अफराद के अंदर बहुत सारा दुख होगा। हमारी कुरान की क्लासेस को दो जो हमने थी इकट्ठी की, लेकिन ये फिर मैदान है सीखने का, और इसमें जिसको सीखना है वो इंशाल्लाह ताला जो हमने एक क्लास रखी है उससे भी सीखेगा इंशाल्लाह ताला, अपना किरदार अदा करेगा, और प्लस फिर उसके एक क्लास को बंद करने से ये जो मौका हमें मिला है ये भी एक खूबसूरत मौका है अल्हम्दुलिल्लाह। और आपके अच्छे साथी हैं जो कि इसको इंशाल्लाह ताला लेकर चलेंगे, और मुझे उम्मीद है कि ये हम सब के लिए फ़ायदा मंद होगा। अब वो ज़रूरत क्या थी, और कुछ तो मैंने मुख्तसर से अल्फाज में शुरू में आपके सामने बात रख दी है, लेकिन आपको अक्सर ज़ाहिर है हमें से अक्सरियत सूरह कहफ़ को जुम्मे के दिन पढ़ती है। सूरह कहफ़ की एक खूबसूरत आयत है जिसमें के अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदउना रब्बहुम बिलग़दाति वल आशी युरीदूना वजहहु ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطي من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هداه هواه وكان أمره فروتا। और अपने दिल को उन लोगों की माइयत पर मुतमईन करो जो अपनी रब की रजा की तलबगार बनकर सुबह शाम उसे पुकारते हैं, और उनसे हरगिज निगाह न फेरो। क्या तुम दुनिया की जीनत पसंद करते हो? किसी ऐसे शख्स की अतात ना करो जिसके दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया, और जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स की पैरवी इख्तियार कर ली, और जिसका तरीक़ेकार अफरात व तफरीत पर मबनी है। मैं नहीं जानती कि आप लोगों का इस आयत के बारे में कितना इल्म और फहम है। मैं इसको एक खूबसूरत आयत समझती हूँ, ख़ास तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात के अंदर, जहाँ पे एक तरफ अबू जहल था, अबू लहब था जो उनका अपना रिश्तेदार था, करीब रहता था, और प्लस वो तमाम अफराद जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने चट्टान बन के खड़े हो गए थे, और मुसलसल वार थे, मुसलसल अजियत थी, मुसलसल तकलीफ थी जो उन्हें चारों तरफ से मिलती थी, और उसमें फिर जो चंद एक अफराद थे जो कि जिन्होंने साथ दिया था, वो माशरे के गरीब लोग थे, हजरत बिलाल जैसे भी थे जो कि गुलाम थे, और आम माशरे के अफराद थे। हाँ उसमें हजरत अबू बकर जैसे भी थे, फिर अल्लाह ने हजरत उमर भी दिए, मजबूत साथियों का साथ भी अल्लाह ने दिया, लेकिन आयत ये कहती है कि अपने आप को मुतमईन करो उन लोगों की माइयत पर, उन लोगों के साथ पर जो अपने रब की रजा के तलबगार बनकर सुबह शाम उसको पुकारते हैं। यानी
तुम्हारा काम ये नहीं है कि तुम ये परेशान होते रहो कि अबू जहल ने क्या कर दिया है, अबू लहब ने क्या कर दिया है, और तुम्हें कहाँ कहाँ से क्या क्या अजियतें और तकलीफें मिल रही हैं, बल्कि तुम अपना दायरा एक कंफर्ट जोन खूबसूरत सा बना लो उन लोगों के साथ जो अपने रब की रजा की तलाश के लिए सुबह शाम उसका जिक्र करते हैं। गोया ये एक ऐसी चीज है जो कि एक यानी इसमें फिर हर वो फर्द आ जाता है जहां से कि आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती हो, जो कि आप जो अल्लाह की रजा का तलबगार हो, जो मेहनत कर रहा हो, कोशिश कर रहा हो, उसके साथ आपका जुड़ जाना जो है वो आपको सुकून का बायस बनाएगा, आपके लिए सुकून का बायस होगा। चुनाचे ये वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि दीन का काम करने वालों को अपने अंदर बहुत गहराई के साथ जज्ब कर लेना चाहिए है कि जहां आपको ऐसा दायरा मिले जो कि इत्मीनान का हो, सुकून का हो, और आप उसके साथ सीख सकें एक दूसरे के साथ, आपको उस दायरे के अंदर अपने आप को सुकून लेना चाहिए और इत्मीनान लेना चाहिए और मिलकर जिद्दोजहद जो है वो करनी चाहिए। चुनाचे इसको इस क्लास को आप एक तो इस सिनेरियो के अंदर देखें, ये अल्लाह ताला हमें एक जरिया देगी उस सर्कल को ढूंढने का, तलाश करने का, जहां पे के हमारे लिए असल में फिर सुकून है। अच्छा, फिर दूसरी जो बात है वो ये है, लिटरेचर क्लास बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में होती होगी, मैं बहुत ज्यादा नहीं जानती हूँ, कुछ को बहरहाल जानती हूँ, लेकिन अमूमी जो कंसेप्ट है या अमूमी जो तसव्वुर है वो कुरान ही की क्लासेस का है, और जाहिर है हमारा सोर्स कुरान ही है, इसमें कोई शक नहीं है कि बुनियाद वही है, और अगर उस बुनियाद को ना समझे बगैर फिर आप इसको ये समझ लें कि आप टीम वर्क शुरू कर दें तो आपकी टकरें लगना एक फितरी सामल बन जाता है। लेकिन मैंने इसको हमेशा ऐसे ही समझा है, मैंने इज्तमाहियत को और ऑर्गेनाइजेशन को और तहरीक को इसी पहलू से लिया है कि जहां आप बैठ के कुरान पढ़ते पढ़ाते सीखते सिखाते हैं उसका अमली मैदान फिर दरअसल आपका ये इज्तमाहियत ही है, ये टीम वर्क ही है। मसलन मैं अगर आपसे ये कहूँ कि आपको आप अपनी शख्सियत को समझे ना कुरान की रोशनी में, और बस आप हम सारे ऐसे आयात और हदीस तो खूब खूब बोलने लग जाएं, लेकिन हमें अपने ऊपर ही उसको उतारना ना आता हो, तो मुझे लगता है कि वो आपको एक रोल तो आप प्ले कर रहे होंगे इसलिए कि आपकी जबान से हो सकता है कोई दूसरा सीख रहा हो, लेकिन आपकी अपनी आखरत के लिए शायद वो बहुत फायदा मंद ना बने बल्कि उल्टा नुकसानदेह बन जाए कि क्यामत के दिन अल्लाह ताला के यहाँ जाके ये जवाब देना पड़ जाए कि बीबी इतना कुछ पढ़ पढ़ा रही थी, अपने अंदर कितना झांक कर देखा था, अपनी खामियों और अपनी कमजोरियों को कितना समझा था। चुनाचे कुरान का, और ये शायद टीम वर्क एक ऐसी चीज होती है, टीम वर्क कह लें आप, इज्तवाजी जिंदगी का मैदान कह लें, रिश्तेदारियों का मैदान कह लें, ससुराल की मैदान कह लें, ये सब आपको बताते हैं कि आपकी शख्सियत के अंदर अभी क्या कमी है। और ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हमें इसका अच्छा फहम होना चाहिए है कि मेरे अंदर क्या कमजोरियां हैं, मेरे अंदर क्या खामियां हैं, मुझे उनको कैसे दूर करना है, मेरे अंदर क्या अच्छाइयां हैं, मुझे उनको कैसे स्ट्रांग बनाना है अपनी अपने दीन की खातिर। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो जो दीन का काम है ये बहरहाल फिर प्लस है ना, ये एक प्लस है, यानी दीन का काम जो है वो आपको दरअसल कुरान वैसे पढ़ते पढ़ाना रहना बहुत आसान है, या फिर आप घर में बैठ के किताबें पढ़ते पढ़ाना लेना भी बहुत आसान है, लेकिन दीन का काम जो है वो दरअसल एक मुश्किल घाटी है जिसमें कि सीरत पूरी बिखरी पड़ी है। और अगर आप गौर करें सीरत जो है वो जहां सिवाय इसके के शायद वो लम्हा आया होगा फतेह मक्का के मौके के ऊपर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुकून और इत्मीनान किसी हद तक मिला होगा, जंगे हुनैन गालिबन उसके बाद हुई थी और वो भी सख्त जंग थी, यानी ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि आप ये समझें कि बस ये ठंडे मीठे बस करने का काम है, उसमें भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतेह मक्का के मौका के ऊपर ऊंट ही या हाँ शायद ऊंट ही था उसके ऊपर जब बैठे हुए थे, गर्दन नीचे तक झुकी हुई थी, इतनी आजी के साथ वो उस चीज से गुजरे थे। लेकिन बाकी अगर आप देखें सारा गौर करें तो आजमाइशें ही थी, मुस्तकिल तकलीफें ही थी,
बहुत आसान नहीं है ये दीन का काम करना और चलना और उसकी फिर थपेड़े खाना, ये बहुत आसान नहीं है। लेकिन बस फिर ये दुनिया की जिंदगी असल में है भी नहीं कि जिसको आप ये समझें कि ये कहीं आपके लिए बहुत सुकून का बायस हो। ये मजमूई तौर पर यहाँ पे आपको सुकून दुनिया के अंदर मिलेगा भी नहीं, क्योंकि ये है नहीं वो जगह। असल जगह जो है वो आखिरत ही है। मैं आपको एक थोड़ा सा लाइन पढ़ के सुनाती हूँ कि मौजूदा दुनिया इम्तहान की दुनिया है, यहाँ इंसान की आजमाइश के लिए मुख्तलिफ किस्म के कांटे बिखेर दिए गए हैं। कहीं मनफी जज्बात का तूफान है, कहीं गैर संजीदा लोगों के छेड़े हुए मसाइल हैं, कहीं दुनिया की कशिश अपनी तरफ खींच लेना चाहती है, कहीं ऐसे नाखुशगवार असबाब हैं जो आदमी के जहन को दरहम बरहम करके उसको नेकी के रास्ते से हटा दें। ये तमाम चीजें गोया जिंदगी के रास्ते के दोनों तरफ खड़ी हुई कांटेदार झाड़ियां हैं। हर लम्हा यह अंदेशा है कि इंसान का दामन इनसे उलझ जाए और फिर आगे बढ़ने की बजाय वो उन्हीं चीजों में फंस कर रह जाए। ऐसी हालत में अकलमंद वो है जो दुनिया का रास्ता इस तरह तय करे कि वो अपने दामन को समेटे हुए हो, वो नामवाफिक चीजों से उलझने की बजाय उनसे हेरास करता हुआ आगे बढ़ता जाए। हर हाल में उसका जहन ये हो कि इसको अपने आप को संभालना है, इसको बचाव का तरीका अख्तियार करना है, ना कि उलझाव का तरीका अख्तियार करना है। तो ये एक, आप ये समझें कि ये एक टैक्ट है, ये एक आर्ट है कि दुनिया की जिंदगी के अंदर जब उसने गुजरना है तो उसको उसके अंदर ये स्ट्रॉन्ग मजबूती आनी चाहिए। और लिटरेचर की क्लास फिर दरअसल उसका एक जरिया है। आपको ये एक बहरहाल चीजें तो कुरान और हदीसी की शक्ल में होंगी, इसमें कोई आसमानी चीजें नहीं है जो कि अलग से उतर के यहाँ पे आ जाएंगी या हम जिनको पढ़ना शुरू करेंगे। इसका असल सोर्स तो कुरान ही है। हाँ, लेकिन जब आपको कुछ प्रैक्टिकल चीजें, अगर आप इंटरनेट भी खोल कर देखें और आप टीम वर्क के बारे में पढ़ना शुरू करें, आपको बहुत कुछ मिलेगा। और दुनिया इस वक्त यूरोप के अंदर आपको इतनी जो ऑर्गेनाइजेशंस और बड़ी बड़ी आप देखें इनके मेंबर्स की तादाद, इनके जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो हजारों में होती है। जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी हजारों में अपनी मेंबरशिप रखती हैं। वो कैसे चलते हैं, उनके क्या उसूल हैं, क्या तरीकेकार है, ये इंपॉर्टेंट चीज है जो कि दरअसल हमें समझनी चाहिए। और अगर हम ये बातें समझे बगैर चलेंगे तो नतीजा क्या होगा, हम झुकना नहीं जानते होंगे, हम सीखना नहीं जानते होंगे, हम अपनी मैं के अंदर, अपनी जात के खौल के अंदर इतने घूमे हुए होंगे कि हमें दूसरे का पता ही नहीं होगा। ये एक बड़ी नुकसानदेह चीज होती है। जो शख्स अपनी जात के अंदर रहता है वो दरअसल फिर दूसरों को देख, उसके अंदर एम्पथी नहीं होती है, वो दूसरे को देख नहीं सकता। और ये बुनियादी असूल हैं, इसके बगैर आप चल नहीं सकते हैं। अगर आप पकड़ धकड़ के माहौल में रहेंगे कि फलाने क्या किया, उसको देखो ना जरा, उसने ये गलत किया, ये सही नहीं हो रहा, वो सही नहीं हो रहा, तो पकड़ धकड़ का माहौल कभी सीखने का माहौल नहीं होता है। उसके अंदर सीखने के लिए वाकई इंसान को दो जानू बैठना होता है। और ये फिर प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल आपको असल में फिर आपस की जो ताल्लुकात हैं वो ही सिखाते हैं। या फिर ये होता है कि हमारे अंदर एक और जो चीज है जो कि हमें असल में सीखने से रोकती है, वो बाज़ुकात ऐसा होता है कि हम दीन का काम करना चाहते हैं लेकिन मसाइल को सॉल्व करने की हिम्मत नहीं रखते हैं अपने अंदर। हम कहते हैं ये क्या मुसीबत है, ये क्या मुश्किल है, हर वक्त कुछ ना कुछ मसला चलता ही रहता है। लेकिन जहां दो बर्तन होंगे वो के जरूर आपस में, वहां पे सीखने की जरूरत है। इसी तरह से छोटी तादाद जो है, अगर आप भीड़ को अगर आप देखें, आप ये कहें कि भीड़ कोई चीज कोई कोई गोल हासिल कर जाए, तो आम तौर पे दुनिया ने ये बताया है, तारीख ने ये बताया है कि किसी भीड़ ने कोई गोल हासिल नहीं किया। लेकिन चंद मुनज्जम अफराद का मजमुआ बहुत बड़े बड़े गोल हासिल करने में भी मददगार साबित हो जाता है। इसी तरह से अगर हम अपने आबाओ अजदाद के खौल के अंदर रहेंगे और दीन को बस उसी खौल के अंदर देखेंगे और दीन को हालात के मुताबिक समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तो भी नुकसान का शिकार होंगे। और तो भी हम इस बात का इम्कान मौजूद है कि एक बस बहुत महदूद दायरे के अंदर बस अपनी चीज को लेके चलते रहें लेकिन ठीक मुनज्जम अंदाज से चीज को समझ ना सकें। इसी तरह से एक पैराग्राफ है जो कि मैं आपके सामने पढ़ती हूँ, मुझे ये पसंद है अक्सर, इसलिए मैं इसको अक्सर ही कोट करती हूँ। हमारे यहाँ हमें जिस चीज की जरूरत होती है अपने रब से जुड़ने के लिए, वो रूहानियत होती है।
स्पिरिचुअलिटी होती है, और ये रूहानियत जो है ये असल में जाहिर है हमें कुरान से मिलती है, ये रूहानियत जो है वो हमें अच्छे माहौल से मिलती है। कभी कच्ची बिल्डिंग्स को देख के इंसान के अंदर एक रूहानियत का एहसास पैदा होता है, कभी कुरान की आयात आपके अंदर एक खूबसूरत सा एहसास बेदार कर देती हैं। मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कि रूहानियत को, इंसान को रूहानियत से करीब करती हैं। लेकिन अगर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखें तो वो रूहानियत वो नहीं थी कि उन्होंने कहीं पे गार में बैठ के तो कहा हो कि बस कुरान पे बैठ के गौर व फिक्र करते रहना। उनकी रूहानियत आपको प्रैक्टिकल लाइफ में नजर आई है, और वो भी ठीक ठाक जबरदस्त किस्म की एक जिद्दोजहद की लाइफ के अंदर उनको नजर आती है। इसमें जो जिस जो शख्स दीन के काम के ऊपर चलते हुए ये तकलीफें बर्दाश्त करना समझ जाता है, सीख जाता है, दरअसल उसको फिर खुदा मिलता है। इस ऐसी जिद्दोजहद के अंदर उसे खुदा मिलता है, क्योंकि कुरान आपका आपको गारों में बैठ के पढ़ने की तालीम नहीं दे रहा है। कुरान सिराते मुस्तकीम जो सिखा रहा है वो बहुत खूबसूरत है, अगर हम उसको समझ जाएं, अगर हम उसको ठीक अंदाज से पिक कर सकें, वो आपको हर मौके के ऊपर अपने नफ्स को कंट्रोल करते हुए सिराते मुस्तकीम को चूज करना सिखाता है। लेकिन जहां हम रुक गए, जहां हम थम गए, जहां हम अटक गए, वहां पे आपका सिराते मुस्तकीम भी गुम हुआ और वहां पे आपको रब की जात का शऊर भी गुम हो जाता है। रब को पहचानना जो है वो दरअसल आपको दीन के काम में चलते हुए मिलता है। मैं छोटा सा एक पैराग्राफ है जो आपके सामने पढ़ती हूँ, बस मेरे पास टाइम कम है। ये पैराग्राफ है कि रूहानियत क्या है। खुदा ने इसको अब्दी तौर पर गुलाब के पेड़ के रूप में दिखा रखा है। गुलाब के पेड़ में कांटा भी होता है और फूल भी। नुकीले कांटों के साथ खुदा उसी शाख में एक फूल उगाता है जिसमें महक हो, जिसमें रंग हो, जो अपनी खुशबू से दूर तक के लोगों को मुअत्तर कर दे। यह है रूहानियत का कुदरती नमूना। रूहानियत नाम है कांटों के बीच में फूल बनकर रहने का। रूहानियत यह है कि आदमी जिंदगी के कांटों में ना उलझे, वो भड़कने वाली बातों पर ना भड़के, ना खुशगवार तजुर्बात उसके इतदाल को भंग ना करें, दूसरे का नापसंदीदा रूप उसके अंदर गुस्सा और इंतकाम के जज्बात ना पैदा करे, वो खुद अपने असूल के तहत जिए, उसकी जहनी सतह इतनी बुलंद हो चुकी हो कि पत्थर मारने वाले का पत्थर उस तक पहुंच ही ना सके। रूहानियत को कुरान में रब्बानियत कहा गया है, यानी रब में जीना, रब वाला बनकर रहना। जो लोग इंसानी झगड़ों में जिए वो अपने करीब की बातों से असर लेते रहते हैं, ऐसे लोगों की रूहानियत कभी तरक्की नहीं करती। मगर जो आदमी अपने आप को इतना उठाए कि वो अपने फिक्र ख्याल के अतबार से रब्बानी सतह पर जीने लगे, वो लोगों की बातों से बेनियाज हो जाता है। रब्बानियत की सूरत में वो इतनी बड़ी चीज पा लेता है कि हर दूसरी चीज उसकी नजर में छोटी हो जाती है। ऐसे आदमी के अंदर ये ताकत पैदा हो जाती है कि वो गाली सुनकर मुस्कुरा दे, वो गुस्सा दिलाने वाली बात को भुला दे, वो कांटे का इस्तकबाल फूल के रूप में कर सके। रूहानी इंसान अपनी रूहानियत या रब्बानियत की सूरत में इतनी बड़ी चीज पा लेता है कि इसके बाद किसी और चीज की तमन्ना नहीं रहती। ये चीज उसके अंदर हसद, खुदगर्जी और इस्तेसाल के जज्बात को खत्म कर देती है। वो इतना ज्यादा पा लेता है कि इसके बाद कोई और चीज पा लेने के लिए बाकी नहीं रहती। यही वो लोग हैं जिनके मजमुए से वो समाज बनता है जो सूरज की तरह चमके और बाग के रूप में लहलहाए। लिहाजा ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, अल्लाह से ये बहुत दुआ करके चलना चाहिए है कि अल्लाह हमें जाया ना करे। अल्लाह ताला हम दीन के ऊपर भी चलें और दीन का काम करने का शौक और जज्बा भी रखें और फिर हम जाया हो जाएं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो किनारे पे या तो जाके लग जाते हैं या फिर छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि जो इज्तमाइयत के थपेड़ों के अंदर और इज्तमाइयत के हाथों के अंदर जो अपने आप को मानने के लिए तैयार नहीं होता वो नहीं चल पाता फिर। और मौलाना की बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि जिस शख्स को इतने हाथ मांझ रहे हो वो जरूर चमकेगा फिर। तो इस चीज को आप ये समझें, ये लिटरेचर की क्लास आपको फिर असल में एक शऊर देगी, एक एहसास देगी। इसके अंदर दीन को के काम को करने का एहसास और शऊर भी होगा कि उसको कैसे करना है, और इसके अंदर इस बात का शऊर और एहसास भी होगा कि मुझे क्या सीखना है, मुझे अपने अंदर क्या तब्दीलियां पैदा करनी है। और आप देखें कि ये वाकईतन जब इंसान ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के स्ट्रक्चर से गुजरता है जो कि एक टीम वर्क के ऊपर मबनी होती हैं,
तो मुझे लगता है वो बहुत अच्छा ससुरालों में भी अपना वक्त गुजार लेता है, वो बहुत अच्छी अस्तवादी जिंदगी को भी समझ जाता है, क्योंकि उसकी जिस शोर से तरबियत हो रही होती है वो बहरहाल अल्लाह से उसको जोड़ने वाला होता है, और उस जुड़ने के साथ उसके लिए कंपैरेटिवली चीज को समझना जो है वो इजी हो जाता है। मैं एक छोटा सा आपके सामने एक और पहलू जो है वो आपके सामने रखना चाहूंगी मुख्तसर सा, और फिर दो आयतें हैं, फिर मैं इंशाल्लाह ताला अपनी बात को खत्म करती हूँ। एक छोटा सा पहलू जो मजीद है वो ये है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि जो शख्स किसी से मिला और उसने उससे कुछ चखा नहीं तो गोया के वो मुर्दे से मिला। अब ये जो चखने से मुराद ये है, इसकी स्पिरिट ये है कि हर आदमी को दूसरे आदमी के लिए खुश अखलाकी का पैकर होना चाहिए। जब वो किसी से बात करे तो सुनने वाले को उसकी बातों में मिठास मिल रही हो। जब वो किसी का जिक्र करे तो उसके बेहतरीन नाम के साथ उसका जिक्र करे। जब वो किसी को कोई पैगाम दे तो वो पैगाम ऐसा हो जो उसके दिल को ठंडा करने वाला हो। किसी का कॉल है कि आदमी हर आन अपने आप को रेडिएट करता रहता है। बर्फ अपने माहौल में ठंडक बिखेरती है और आग अपने आसपास गर्मी फैलाती है। इसी तरह आदमी भी हर लम्हा मुख्तलिफ पहलुओं से अपने आप को माहौल में तौसीफ देता रहता है। ये अमल हर हाल में शौरी या गैर शौरी तौर पर जारी रहता है। अब एक सच्चे इंसान का काम यह है कि वो इस पहलू से अपना निगरान बनाओ, वो इस बात की मुसलसल कोशिश करे कि उसकी जात से माहौल को हमेशा ठंडक मिले, वो लोगों के लिए हमेशा राहत साबित हो ना कि किसी किस्म की मुसीबत। जिस इंसान की फितरत जिंदा हो वो यकीनन ऐसा ही जायका बख्श इंसान होगा। उससे जिस आदमी को भी सबका पेश आएगा वो उसके लिए खुशगवार तजर्बा साबित होगा। ऐसे इंसान के पास से गुजरने वाले को महसूस होगा कि वो फूलों की एक वादी से गुजरा है ना कि कांटों की एक झाड़ झंकार से। लिहाजा ये वो गोल है जो हम सबको हासिल करना है कि हम अपने अंदर वो सलाहियत पैदा करें कि चंद लम्हे भी पहलू के साथ ही भी जो सफर में भी आपको मिले हों वो आपकी मिजाज से आपके अंदाज से आपके एतबार से एक ठंडक महसूस करें। और फिर ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर जो मैंने शुरू में आयत पढ़ी है कि जो लोग अपने आप को मुतमिन कर लो लोगों की माइयत पर जो अपने रब को सुबह शाम तलाश करते हैं, अगर यहाँ पर भी वो ठंडक ना मिली तो फिर तो जाहिर है ये दुनिया बहुत ही बुरी ठिकाना है हम सारों के लिए, जहाँ पे कि फिर कहीं पे भी सुकून नहीं है। लेकिन ये सुकून, एक दफा हमारी साथी ने कहा था कि मैं अपनी जात का तारुफ खुद हूँ, दूसरे नहीं मेरी जात का तारुफ दे रहे, मैं खुद अपनी जात का तारुफ दे रही हूँ। तो उस चीज को हमें समझना चाहिए कि मैं अपनी जात का तारुफ खुद हूँ। आखिर में बस मैं दो आयतें हैं जिन पर मैं अपनी बात को मुकम्मल करती हूँ। एक आयत है कि अल्लज़ीना यस्तमिउन अल-क़ौला फ़यत्तबिउन अहसनहु उलाइक अल्लज़ीना हदाहुमुल्लाहु व उलाइक हुम उलुल अल्बाब। बहुत खूबसूरत आयत है कि बशारत दे दो मेरे उन बंदों को जो बात को गौर से सुनते हैं, बशारत दे दो मेरे उन बंदों को जो बात को गौर से सुनते हैं और उसके बेहतरीन पहलू की पैरवी करते हैं। ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने हिदायत बख्शी है और यही उलुल अलबाब हैं, दानिशमंद हैं। उलुल अलबाब मुझे लफ्ज बहुत अच्छा लगता है। उलुल अलबाब वो लोग हैं जो चीज का ठीक लुब्बे लुबाब समझने की कोशिश करते हैं, ठीक अंदर गहराई तक खालिस चीज को पाने की कोशिश करते हैं। और जाहिर है इसके अंदर फिर अल्लाह से बहुत दुआ करके अपने लिए वो दिल और दिमाग मांगना चाहिए जो ठीक चीज को समझ सके। और क्योंकि बहरहाल सबसे बड़ा जो मसला होता है वो यही होता है कि नफ्स हमारे आड़े आता है और हमें सही बात समझने से रोकता है, कहता है नहीं वो फलां की वजह से हुआ था, उसकी वजह से ये चीजें थी, मेरा कोई कसूर नहीं था इसमें। जो उंगली रख के कहने वाला हो कि हाँ ये मैंने गलत किया था और ये मेरी गलती थी, ये समझने वाला हो। दूसरी आयत जो है ये इसी सूरह रूम की, पहली आयत भी सूरह रूम की थी, थोड़ी सी आगे जाके फिर आयत है फमन शरह अल्लाह सदरहु लिल इस्लामी फहुवा अला नूरिन मिन कल्बिही फवैलुन लिल कासियति कुलूबुहुम मिन ज़िक्रिल्लाह उलाइका फी दलालिल मुबीन। और उस शख्स की तरह, और वो शख्स, अब क्या वो शख्स जिसका सीना अल्लाह ने इस्लाम के लिए खोल दिया और वो अपने रब की तरफ से एक रोशनी पर चल रहा है, उस शख्स की तरह हो सकता है जिसने इन बातों से कोई सबक ना लिया हो। तबाही है उन लोगों के लिए जिनके दिल अल्लाह की नसीहत से और ज्यादा सख्त हो गए, वो खुली गुमराही में पड़े हुए हैं। ये खूबसूरत पहलू है कि वो अपने रब की तरफ से खूबसूरत एक रोशनी के ऊपर चल रहा हो। इस तरह के शख्स के लिए तरह नहीं हो सकता जिन्होंने इन बातों से
कोई सबक ना लिया हो, तो अल्लाह ताला कासियत कुलूब की बजाय फहुआ अला नूर में रब्बिहिम, अला नूरिम में रब्बिहिम जैसे अफराद वाले अफराद के ग्रोह में हमें भी शामिल करे। और दिल से दुआ है इंशाअल्लाह ताला के जो मकसद है इस क्लास का उसको हम वाकई समझने वाले हों। इसको आप एक प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम्स को जो आपको दीन का काम करते हुए पेश आती हैं, अपने मसाइल को जो कि आपको पेश आते हैं इसी लिटरेचर की रोशनी में रखें, क्योंकि अभी मेंबर्स तक का प्लेटफॉर्म है, रखें, डिस्कस करें, उसमें रहनुमाई लें और आगे चल पड़े इंशाअल्लाह ताला। ये आपके लिए एक सोर्स होगा तकवीयत का और एनर्जी का और मशावरत का, सीखने सिखाने का। और अल्लाह से दुआ है कि इसको हमने जिस नियत के साथ रखा है बेहतरीन बना दे उस नियत को भी, और बेहतरीन बना दे इंशाअल्लाह ताला इस क्लास को भी, और हमारे लिए, हम सब के लिए। आइंदा के सेशंस में इस क्लास में बैठे हुए जितने अफराद हैं वो इंशाअल्लाह ताला हल्के का भी मजबूत बाजू बने, दीन का भी मजबूत बाजू बने, और आइंदा के लिए ऐसी तमाम चीजों में मजबूती से खड़े होने वाले बने। अल्लाह ताला इसके जरिए हमें बरकत अता करे इंशाअल्लाह ताला। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकअल्लाह खैरन कसीरा मुज़य्यन जी। जी साथियों, हमारे ऑनरी मेंबर की जानिब से एक बहुत बामकसद गुफ्तगु, अल्लाह ताला हमें इस पर गौर करने की तौफीक अता करे। अब वक्त है हमारे मरकजी शोबे तरबियत की साथी जिम्मेदार खालदा जी, हम क्लास के मकसद अहमियत के हवाले से इनके ख्याल भी जानने की ख्वाहिश रखते हैं। खालदा प्लीज आप बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, मेरी आवाज आ रही है? जी खालदा, आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है, बात कंटिन्यू कीजिए। जज़ाकअल्लाह खैरन कसीर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम हल्का नूरुल ईमान को अंग्रेजी में तो ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं ना, यानी जो इसका एक जहाँ इसका नाम लिखा जाता है, जब हम तारुफ देते हैं तो हम कहते हैं ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन अगर इसको उर्दू में हम करें, इसका तारुफ देने की कोशिश करें, तो हम इसको एक तहरीक कह सकते हैं कि ये एक तहरीक है और जामित कोई चीज नहीं है, मुतहर्रिक चीज है। और जब कोई चीज मुतहर्रिक होती है तो उसके लिए पेट्रोल की जरूरत होती है, जो चीज उसको चलाती है, कोई ऑयल, कोई पेट्रोल, कोई चीज जिससे वो चीज मुतहर्रिक रहती है। तो ऑर्गेनाइजेशंस और तहरीकों की जिंदगी में लिटरेचर जो है वो चीज होती है जो उसको चलाती है, जिंदा रखती है, आगे बढ़ाती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में जब वो सहाबा किराम के सामने इस चीज को पेश करते थे तो कुरान वो चीज थी जो वो लिटरेचर था उनके लिए, वो उनको बताता था कि इस तहरीक का मकसद क्या है, इस तहरीक से हमने हासिल क्या करना है, इस तहरीक ने किन किरदारों में हमें ढालना है। तो वो सारी चीजें कुरान के जरिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन तक पहुंचाते थे। और फिर सहाबा इकराम की जिंदगी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस थी जिनको वो या अपनी याददाश्त में उन्होंने रखा और हम तक पहुंचाया, और कितनी मेहनत उस पूरे प्रोसेस में हुई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हम तक पहुंची अपनी असली हालत में, सही हालत में। तो वो लिटरेचर था सहाबा इकराम के लिए, जो उनको जिंदगी के मुख्तलिफ मामलात के बारे में, जमाती जिंदगी के बारे में आगाही देती थी। मुख्तसर अल्फाज होते थे, बल्कि मुख्तसर तरीन अल्फाज होते थे, और बेहतरीन चीज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जरिए उन तक पहुंचा देते थे। फिर हम सहाबा इकराम की जिंदगी में ही देखते हैं कि उन्होंने जो मुख्तलिफ खतूत, मुख्तलिफ आमाल को लिखे, मुख्तलिफ जगहों पे कोई तकारीर की, वो भी एक टेक्स्ट बनता गया, लिटरेचर बनता गया जो हम तक पहुंचा। लिटरेचर आप समझें वो सिलेबस होता है, वो मवाद होता है, मटेरियल होता है जो बताता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की सोच क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है, वो अपने साथ काम करने वालों को किन किरदारों में ढालना चाहती है, क्या सिफात उनमें पैदा करना चाहती है, वो क्या औसाफ उनमें देखना चाहती है। ये चीजें लिटरेचर जो हम सिलेक्ट करते हैं, जो हम पेश करते हैं, या जैसे कोई स्कूल है उसका कोई सिलेबस है, तो सिलेबस से स्कूल और मदरसे के बारे में पता चलता है कि अपने स्टूडेंट्स को, अपने तालिब इल्मों को किन चीज, किस किरदार में ढालना चाहते हैं। तो लिटरेचर वो चीज है
जो हमारे हमें बनाती है और रास्ता दिखाती है और बताती है कि हमने किस तरीके से चलना है आगे। बहुत अरसे से मुजैन जी ने भी कहा, बड़े अरसे से इस चीज की जरूरत महसूस हो रही थी कि इज्तिमाई तौर पे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ा जो सोर्स हमारा है किरदार ढालने का, समझने का, समझाने का, वो कुरान है। कुरान फहमी की हमारी क्लासेस सिटीज लेवल पे भी चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ऑनलाइन भी क्लासेस चलती रही और चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद अहदीस वो सोर्स होता है जिससे आपको पता चलता है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हम जाती तौर पर भी उससे गुजरते हैं, सीरत का भी मुताला करते हैं और इज्तिमाई तौर पर भी सीखते हैं। लेकिन लिटरेचर यानी मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ टॉपिक्स पे क्या लिखा, जमाती जिंदगी के क्या मसाइल होते हैं, उनको कैसे सॉल्व करना चाहिए, आपस में हमारे क्या ताल्लुकात होने चाहिए जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं, उसके मेंबर्स हैं तो मेंबर्स के बाहमी ताल्लुकात क्या होने चाहिए, खुदा ना खास्ता कोई मसला को पेश आता है तो उसको कैसे हैंडल करना है, किस तरह काम करना है, दुनिया में जितने हमें जो जो कोई क्राइसिस कोई आता है उससे कैसे गुजरना है, कोई मसला पैदा हो जाता है तो कैसे गुजरना है, रवैये हमारे क्या होने चाहिए, सारी चीजें हमें लिटरेचर के जरिए ही मालूम होती हैं। तो इसकी जरूरत महसूस हो रही थी कि मिलके हम बैठे एक जगह, और मुख्तलिफ सिटीज पे तो चंद लोग बैठ जाते हैं ना, तो लेकिन हम एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें न सिर्फ मुख्तलिफ शहरों के लोग हैं बल्कि मुख्तलिफ ममालिक के लोग बैठे हैं, तो वो बैठ के एक सोच के साथ आगे चलें, वो अपने मसाइल भी हल रखें और उनके हल भी देखें, और कोई लिटरेचर कोई बुक हो कोई टेक्स्ट हो जिसमें हम किसी मामले पर किसी जैयद आलिम की या किसी अच्छे राइटर की जिसने उस टॉपिक पर बहुत गौर गौज किया हो, उन टॉपिक्स को लेके हम आगे चलें। इसमें कुरान की भी कुछ आयात होंगी इंशाल्लाह ताला जब हम आगे लिटरेचर की क्लास चलेगी, इसमें कुछ किताबों के अबवाब भी हैं, फिर हम सहाबियात की जिंदगी को भी इसमें इंशाल्लाह ताला देखेंगे कि उन्होंने जिंदगी में एक औरत होते हुए किस तरह दीन के लिए काम किया। तो इंशाल्लाह ताला इस लिटरेचर क्लास से उम्मीद है हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और हमने आलिया जी का सोचा इसलिए कि लिटरेचर और आलिया जी का माशाल्लाह एक बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है जहाँ ये खुद भी इवन ये जब कुरान फहमी की भी क्लास लिया करती थी तो लिटरेचर से अपने साथियों को मुस्तफीद करती थी मुख्तलिफ टॉपिक्स पे, लिटरेचर की एक्सट्रैक्ट्स लेके वो बताया करती थी। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला से उम्मीद है कि क्लास हमें बहुत फायदा दे के जाएगी, हमारे बाहमी ताल्लुकात भी इससे बहुत इम्प्रूव होंगे, हमें अपनी इस तहरीक की बहुत अच्छी समझ भी आएगी कि हम असल में जमा क्यों हैं, हम एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा क्यों हैं, इस तहरीक का हिस्सा क्यों हैं, ये भी हमें समझ आएगी। और इंशाल्लाह ताला जैसे मुजैन जी ने कहा कि हमारे जितने भी फिर मैदान हैं, चाहे वो हमारे ससुराल के हैं, अज़दवाजी जिंदगी के हैं, इज्तिमाई जिंदगी के हैं, इस दुनिया में रहते हुए जो हम जिन जिन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला उन सब के लिए हमें इस क्लास से रहनुमाई मिलेगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो जिस सोच के जरिए इस क्लास को शुरू किया गया, अल्लाह ताला उस सोच में हमें कामयाबी अता फरमाए, और हमें आपस में ये वो सीमेंट और गारा जो है लिटरेचर की सूरत में, ये हमें अच्छे से जोड़ दे अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला। बस मुझे यही बात करनी थी, और अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकअल्लाह खैरन कसीरा प्यारी बहन खालदा जी। अजीज साथियों, अब वक्त है हमारे मुताले का, आइए आगाज करते हैं। मेरे पास तो किताबचा मौजूद है इस वक्त, कारकुनों के बाहमी ताल्लुकात, उम्मीद है आप में से कुछ अफराद के हाथ में होगा। हमारी प्यारी बहन रिजवाना बल्कि उस किताबचे को इस वक्त स्क्रीन पे शो भी कर रही है। उम्मीद आप में से काफी अफराद के पास ही किताबचा होगा, और जिनके पास नहीं है उनकी सहूलत के लिए क्लास ग्रुप HNI लिटरेचर क्लास ग्रुप में व्हाट्सएप के वो सफात भेजे गए थे जिनको हमने आज पढ़ना है। उम्मीद है कि हमने इन्हें पढ़ा होगा। मैं बस एक क्विक फीडबैक लेना चाहती हूँ।
मुझे लिख दीजिए कि क्या आपने ये दिबाचा जो आज हमने पढ़ना है इस किताबचे का कारकुनों के बाहमी ताल्लुकात, क्या आपने इसको पढ़ा, आपने उन सफात को पढ़ा जो क्लास ग्रुप में भेजे गए थे? सिर्फ मुझे लिख कर यस या नो में बता दें ताकि मुझे एक आइडिया हो जाए साथियों की हवाले से। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, जो मुझे रिस्पांस नज़र आ रहा है, प्यारे साथियों ने अपने सफात अपना होमवर्क किया है, वेल डन, कीप इट अप। अजीज साथियों, फिर अब आज इस वक्त हमारे पास चूंकि वक्त कलील है, इस वक्त हमारे पास तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट है और हमने 3 टेक्स्ट इंशाल्लाह समझने हैं सवालात और जवाबात के जरिए। इसमें हम सब सीखेंगे, मुझे आपसे सीखना है, आपके आपका फहम हम सब तक पहुंचेगा। तो इंशाल्लाह ताला जब हम इस क्लास से उठेंगे तो हमें ये शरह सदर हासिल होगा कि हमारे पास आज एक हासिल की फीलिंग है इंशाल्लाह। तो हम आगाज करते हैं प्यारे साथियों। इसका पैटर्न ये रहेगा कि 3 टेक्स्ट हैं, 3 मुख्तलिफ साथी इसको पढ़ेंगे। आज चलें इब्तदाए तो पहला टेक्स्ट मैं खुद पढ़ देती हूँ और हर टेक्स्ट पढ़ने के बाद उससे मुतल्लिका जो सवालात ग्रुप में भेजे गए थे उनको हम डिस्कस करेंगे। कोशिश कीजिएगा कि आपके पास आपकी डायरी और पेन हो, बहुत उम्दा पॉइंट्स आएंगे मुझे उम्मीद है हमारे प्यारे साथियों की तरफ से, उन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा। ये इंशाल्लाह हमारे लिए आइंदा जिंदगी में, आइंदा के टीम वर्क में हमारे लिए सुनहरे असूल होंगे। मैं शुरू करती हूँ किताबचे को प्यारे साथियों। ये किताबचा है खुर्रम मुराद साहब का। पर्सनल एक आपको बात बताऊँ तो ये मेरे वन ऑफ माय फेवरेट ऑथर्स हैं और इनकी बात हमेशा मेरे दिल पर बहुत असर करती है, इसीलिए इसका इस किताबचे को मैंने चाहा था कि हम सबसे पहले लिटरेचर के तौर पर यूज करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिबाचा पढ़ना शुरू करती हूँ। उसका फर्स्ट टेक्स्ट गौर से सुनिएगा, सवालात इसी के मुतालिक हैं, जवाबात आपने देने हैं। तारीख के मुताले से ये हकीकत अलम नशरा हो जाती है कि अंबिया ने इंसानी माशरे की हमेशा नई शिराजा बंदी की है। उन्होंने एक बुनियादी दावत की तरफ इंसानों को पुकारा और इस दावत पर लब्बैक कहने वालों को एक नए इत्तेहाद में जोड़ दिया। वो इंसान जो मुख्तलिफ ग्रोहों, कबीलों और असबियतों में बटे हुए थे, जो एक दूसरे के खून के प्यासे और इज्जत के दुश्मन थे, इस दावत की वजह से एक दूसरे के भाई और एक दूसरे की इज्जत के मुहाफिज बन गए। इस इत्तेहाद से एक नई कुव्वत रोनमा हुई और रोहमाउ बैनहुम के ये पैकर सबसे बड़े तारीख साज और तहजीबगर बन गए। यही वो हकीकत है जिसकी तरफ कुरान अपने बलीग अंदाज में इशारा करता है। आले इमरान आयत 103 तर्जमा, और अल्लाह की इस नेमत को याद करो जब तुम आपस में शदीद दुश्मन थे तो इसने तुम्हारे दिलों को जोड़ दिया और तुम इसकी नाय तो मेहरबानी से भाई भाई हो गए। बेशक तुम आग के गढ़े के किनारे खड़े थे, बस इसने तुमको इससे निजात दी और तबाही से बचा लिया। अंबिया ने इंसानों को इसी बात की दावत दी है। दोबारा कोट है आले इमरान, वातासिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूत थाम लो, मुश्तमा हो जाओ और फूट ना डालो। अजीज साथियों, ये हमारा पहला टेक्स्ट था और इसके हवाले से जो सवालात हैं उनका आगाज करते हैं। पहला जो सवाल है वो ये है कि तारीख का मुतालिया क्यों अहम है। अच्छा, हम वक्त को सामने रखेंगे और उसके हिसाब से ही मुझे एक ऐसे टेम्पो में रहना है कि हम अपने आज का जो मुताले का मटेरियल है उसको कवर कर सके। तो मैं चंद जवाबात ले सकूंगी आज, इंशाल्लाह अगली क्लासेस में हमारे पास ज़्यादा खुला वक्त होगा, पूरे 2 घंटे होंगे। मैंने इसलिए बात की है ताकि आपके जहन में रहे कि आज हमें वक्त के साथ दौड़ना है, ठीक है। तो पहला सवाल है, तारीख का मुतालिया क्यों अहम है। जो साथी जवाब देना चाहे प्लीज आप आए लिखें।
जी समरीन प्लीज बात कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु, उम्मीद है मेरी आवाज़ आ रही होगी। पहला सवाल, तारीख का मुताला क्यों अहम है? तारीख का मुताला इंतहाई अहम है, इसलिए कि इंसान हमेशा सिरात मुस्तकीम का मुतलाशी रहा है, उसे ज़रूरत रही है कि कोई गाइडलाइन मिले। अल्लाह चाहता तो कुरान नाजिल कर देता, किताबें नाजिल फरमा देता और अपने और अम्बिया इकराम को नहीं भेजता। तो वजह यही है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई किया, फिर इससे इंसान को एक हौसला मिलता है। और अम्बिया इकराम हमारे ही जैसे इंसान थे, लेकिन वो अपने वक्त के बेहतरीन लोग थे और अल्लाह के बेहतरीन बंदे थे। उनके भी बीवी बच्चे थे, वही काम थे, हमारे भी वही काम हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे उजरात होते हैं। और इससे इज्तमाइत को कायम रखने में जो रुकावटें आ रही होती हैं हमारे काम में, तो यही होता है कि हमारा ना मुताला नहीं होता और हम दूसरों की ज़िंदगी से हम सीखते नहीं हैं। बहरहाल इससे हौसला मिलता है और सबक मिलता है। मुख्तसरन यही बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकअल्लाह खैरन कसीरा। और कोई साथी? तारीख का मुतालिया क्यों अहम है? जी शकीला प्लीज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मेरे नज़दीक तारीख का मुताला बहुत ज़्यादा अहम है। जब हम किसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, समझना चाहते हैं कि क्या क्यों हुआ कैसे हुआ, तो जब तक तो हम उसके सियाक व सबाक को नहीं समझते तो हम उस चीज़ की असल को भी नहीं समझ सकते, उन हालात को भी नहीं समझ सकते और आइंदा के लिए जो हम असल में करना चाह रहे होते हैं ना, तो उसके लिए मवाद नहीं जमा कर सकते और उसके लिए कोई बेहतरी की तलाश अगर करना चाहते हैं तो हमें ये देख सकते हैं कि जो पहले हुआ था तो उसमें क्या नकायस थे, कैसे हम आइंदा के लिए बेहतरी की तलाश कर सकते हैं, बेहतर हालात पैदा कर सकते हैं अपने लिए। अगर हमने किसी तहरीक को आगे लेके चलना है तो कैसे, यानी अब उस वक्त की जरूरियात क्या थी और किन लोगों ने क्या किया था ना, कैसे काबिल लोग थे। अपने वक्त में हर कोई पूरी कोशिश करता है, लेकिन अगर हम ये सोच के कदम बढ़ाना चाहते हैं कि हम ही हैं इस वक्त के, अगर ये सोच रखेंगे तो कि हमने कुछ करना है तो फिर हमें अगर यानी तलाश होगी तो मंजिल भी मिलेगी ना। तो हमने देखना है अब हम कौन से वक्त में और हमें कौन सा लाया अमल इख्तियार करना है। बेसिस हमारी वही होंगी, अगर हम मसलन हमारी बेस ये है, हम देख रहे हैं कि हम इस्लाम कुरान और हदीस को लेकर चलना चाहते हैं तो इसी शोबे में हम पीछे सारा कुछ देखेंगे, तो उसको समझ के तो हम इस वक्त के तकाजों के मुताबिक तहरीक को ज्यादा बेहतर तरीके से आगे लेके चल सकते हैं, हालात को समझ के और हालात के हल का बेहतरीन हम कोई अच्छा हल तलाश कर सकते हैं ना। तो मेरे ख्याल में बहुत जरूरी है ताकि हम अच्छी तरह वक्त के मुताबिक यही कहूंगी कि इस्लाम को आगे बढ़ाएं और इस्लाम को खोल के बयान कर सकें और इसके जो वक्त के साथ साथ जो इसमें उलझने पैदा कर देते हैं कुछ लोग या जो बेराह रवियां पैदा हो जाती हैं, जैसे एक पौधे को काट छांट की जाती है ना, तो बहुत ज्यादा हम वो असल को हम आगे लेके आए और चीजों को आसान बनाएं और ऐसा उसकी खूबसूरती को जैसे होता है ना वक्त के साथ साथ वो मैल जम जाती है या कुछ भी, हम उसको साफ करें, उसकी चमक को ताजा करें ताकि उसकी चमक ज्यादा फैले। इस्लाम का दूसरे लफ्जों में कहूंगी कि नूर मजीद फैले और ज्यादा दुनिया को रोशन करे और ज्यादा लोगों को मुतहैर करे और ज्यादा लोग इसकी तरफ आए, ज्यादा मोहब्बत पता चले कि इस्लाम की क्या है और अल्लाह क्या है, अल्लाह का जो नबी है आखिरी वो क्या लेके आया था, और ये बताना कि जो हमारा आखिरी नबी है वो सारे नबियों का एक मजमुआ खूबियों का है और सारी जो हदायत 124,000 पैगंबरों को अल्लाह ने थोड़ी थोड़ी दी थी वो कंप्लीट नहीं थी, लेकिन जो ये आखिरी नबी आया इसके बाद क्यों एक नबी की जरूरत बाकी नहीं रही और कैसे वो सारा नूर और एक अलमुख्तसर ये कि कुरान में इकट्ठा अल्लाह ने कर दिया और इसी से अब दुनिया जगमगाएगी आखिर तक, ये लोगों में यकीन पैदा करना ताकि लोग किसी भी और तरफ, साइंस की तरफ या किसी भी मजहब की तरफ या किसी भी बेरारवी की तरफ जाने से पहले इस रोशनी की तरफ आए, इसी नूर पे एतमाद करें, इसी पे इकट्ठे हों। अल्लाह भी यही चाहता है और बस अल्लाह हमारी मदद करे इंशाल्लाह। जज़ाकअल्लाह खैरन कसीरा शकीला जी।
चैट में जो साथियों ने जवाबात लिखे, माजी सबक देता है, हाल अमल का वक्त है, मुस्तकबिल इस्लाह कामयाबी के लिए उम्मीद होता है। बिल्कुल। एक और साथी ने लिखा कि माजी की गलतियों को ना दोहराना और वक्त उन पर जाया ना करना। बिल्कुल ऐसे ही है। एक साथी ने लिखा कि तारीख खुद को दोहराती और बहुत से सबक मिलते हैं। बेशक अजीज साथियों ऐसे ही है। मैं अगर अपना जवाब भी आपके सामने रखूं, मैंने सोचा था कि मैं अपने जवाब की इब्तिदा मैं सूरह यासीन का पहले रुकू की का तर्जुमा आपके सामने रखना चाहूंगी, खासतौर पर फिर फोकस करूंगी आयत नंबर 9 को। सूरह यासीन अगर जब हम पढ़ते हैं तो उसके पहले रुकू का क्या तर्जुमा है? यासीन जहन में रखिएगा, मक्की सूरह है। यासीन, कसम है कुरान हकीम की कि तुम यकीनन रसूलों में से हो, सीधे रास्ते पर हो, और ये कुरान गालिब और रहीम हस्ती का नाजिल करदा है ताकि तुम खबरदार करो कैसी कौम को जिसके बाप दादा खबरदार ना किए गए थे और इस वजह से वो गफलत में पड़े हुए हैं। इनमें से अक्सर लोग फैसले आजाब के मुस्तहिक हो चुके हैं, इसलिए वो ईमान नहीं लाते। हमने उनकी गर्दनों में तौक डाल दी है जिनसे वो ठोरियों तक जकड़े गए हैं, इसलिए वो सर उठाए खड़े हैं। हमने एक दीवार उनके आगे खड़ी कर दी और एक दीवार उनके पीछे, हमने इन्हें ढांक दिया है, इन्हें अब कुछ नहीं सूझता, इनके लिए यकसा है, तुम इन्हें खबरदार करो या ना करो, ये ना मानेंगे। तुम तो उसी शख्स को खबरदार कर सकते हो जो नसीहत की पैरवी करे और वे देखे खुदाए रहमान से डरे, उसे मगफरत और अजरे करीम की बशारत दे दो। हम यकीनन एक रोज मुर्दों को जिंदा करने वाले हैं, जो कुछ अफाल उन्होंने किए वो सब हम लिखते जा रहे हैं और जो कुछ आसार उन्होंने पीछे छोड़े हैं वो भी हम सब कर रहे हैं। हर चीज को हमने खुली किताब में दर्ज कर रखा है। अजीज साथियों, वैसे तो खैर इसकी जो लास्ट आयत है वो भी हमें बताती है कि तारीख तो रिकॉर्ड होती है और फिर उसका रिजल्ट आता है, लेकिन इस वक्त मैं फोकस अगर रखूं आयत नंबर 9 पर जिसका तर्जुमा था कि वैसे तो अरबिक उसका मतन था ना, वजालना मिम बाइनी आईदिहिम सद्दन, हमने एक दीवार उनके आगे खड़ी कर दी है। जितना मैंने समझा है इस टुकड़े को, दीवार से मुराद बैरियर है ना, हर्डल है, रुकावट है, तो उसमें बाज मुफस्सिरीन इससे आगे की दीवार से मुस्तकबिल को अखज़ करते हैं ना, कि ये मुस्तकबिल के हवाले से बात है कि लोग मुस्तकबिल के नताइज पर गौर नहीं करते। बेशक मक्की सूरह है, तावील खास के हवाले से, लेकिन तावील आम में मैं और आप शामिल हैं, यानी कि हम मुस्तकबिल के नताइज पर गौर नहीं करते। लेकिन मैंने एक स्कॉलर को सुना और मुझे बहुत मेरे दिल में उनकी बात खूबी। उन्होंने कहा कि ये जो आगे की दीवार है ना, इट इज आवर ऑन गोइंग प्रेजेंट टाइम, यानी ये जो हमारा हाल, ये जो वक्त गुजर है, ये हाल के हवाले से है। और अल्लाह ताला ने असल में इंसान के सीखने के लिए, हकीकत को, इल्म को, मारिफत को, अल्लाह ने सीखने के लिए तीन जराए बनाए हैं और उसमें से एक जरिया इवन हमारा ये प्रेजेंट टेंस है, हमारा ये जो प्रेजेंट हाल है, ये जिसमें हम इस वक्त मौजूद हैं मैं और आप, इसमें हमारी जो ऑन गोइंग प्रेजेंट एक्टिविटी है, सराउंडिंग्स है, ये हमारे सीखने का जरिया है। इसमें मसलन बच्चा माँ के पेट से निकल कर आता है ना, तो यानी इंसान के, हम देखते हैं, हम डेली लाइफ में कभी इधर से खुशखबरी सुनते हैं, कभी उधर से खुशखबरी सुनते हैं कि इंसान के अंदर से एक इंसान निकल आया है और उसको हम देखते हैं, अपनी आंखों देखा हाल, आंखों देखा हाल होता है कि हमने इंसान के अंदर से एक इंसान को मौजूद पाया, तो यानी ये एक सीखने का जरिया हुआ। उसी तरह से हमारी जो हमारी इवन हमारा अपना बॉडी और हमारी उसका सिस्टम, ये हमारा हाल है ना, इसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। और इसी तरह जो आसपास की फितरत है, जो हमारी सराउंडिंग्स हैं, सूरज का तुलू होना, गरूब होना, चांद निकलना, सितारे निकलना, बाकी नेचर, तो हमें समझ आ जाती है ना कि कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है। तो यानी ये हमारा आंखों देखा हाल है। लेकिन फिर जो अगला टुकड़ा है उसमें आयत कहती है कि वमिन खल्फिहिम सद्दन, और एक दीवार उनके पीछे। इसके बारे में हम सब और ये जो मुफस्सिरीन है सब जानते हैं कि ये माजी के हवाले से बात है, ये तारीख के हवाले से बात है, यानी अल्लाह ताला ने इंसान के सीखने का एक अहम जरिया तारीख को बनाया है। हम सब जानते हैं कि इसी वजह से कुरान जो है उसमें, मतलब कुरान तारीख से भरा पड़ा है। आप सूरह अलअराफ को देख लें, उसमें तारीख आई हुई है कौमों की, बकिया भी कुछ सूरतें आप देख लें, उसमें बहुत जोर के साथ तारीख का जिक्र है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला ने इसको भी इंसान के सीखने का, इंसान के मार्फत हासिल करने का, इसको एक अहम जरिया बनाया है।
और इसी लिहाज से फिर अगर हम समझें तो हिस्ट्री इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ लर्निंग एंड करेक्टिंग आवर प्रेजेंट आवर करेक्टर एंड एज इंडिविजुअल और एज अ नेशन एज अ उम्मा, यानी एक बड़ा पावरफुल टूल है हिस्ट्री नॉलेज, जो कि एज अ इंडिविजुअल एज अ नेशन एज अ उम्मा हमें हमारी इस्लाह करता है अगर हम इस्लाह कबूल करें। सो तारीख का मुतालिया मैं समझती हूँ इसलिए बहुत अहम है। अब मैंने चूंकि बहरहाल आयत को कोट किया तो मैं इसके आखिरी टुकड़े को भी पर भी मुख्तसर बात रख देती हूँ कि हमने उन्हें ढांक दिया है। इसके लिए वर्ड था ना फख्शाई नाहुम फहुम ला युबसीरून, हमने इन्हें ढांक दिया है इन्हें अब कुछ नहीं सूझता। जैसे देखची को ढक्कन ढांक लेता है ना, ढांक लेता है तो फिर पता नहीं चलता अंदर क्या। इसी तरह से जब इंसान सीखने पर तैयार नहीं होता, यानी ना अपने हाल से ना तारीख से, तो ऐसा मामला हो जाता है कि जैसे इंसानी तासुब ने हर तरफ से इसको ढांक लिया और इंसानी जो अकल है इस पर गलत फहमी के ऐसे पर्दे पड़ जाते हैं कि खुले खुले हकायक नजर नहीं आते ना। और बल्कि जब ढांका ऊपर से जाता है तो यानी ऊपर से जो वही आ रही है, जो रेवलेशन आ रही है, वो भी नहीं अंदर तक पेनिट्रेट कर रही, नहीं पहुंच रही। तो यानी इस लिहाज से माजी का इल्म होना, तारीख का मुतालिया होना, अपने हाल पर गौर व फिक्र करना, मुजैन ने बात रखी थी अपनी गुफ्तगू में उलूल अलबाब के हवाले से, जो अक्ल वाले होते हैं उनके लिए अल्लाह ताला ने तारीख को भी इल्म का जरिया बनाया है, उनके लिए हाल को भी इल्म का जरिया बनाया, उनके लिए वही को भी और फितरत को भी इल्म का जरिया बनाया। जी मुजैन प्लीज आप बात कीजिए, इसके बाद हम अगले टेक्स्ट पर जाएंगे। अच्छा, बस मैंने ना दो छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट तो ये है कि तारीख और मुस्तकबिल और तारीख और हाल दरअसल बैलेंस तलाश करने की जद्दोजहद है, जो कि इंसानियत ने खुद भी हालात के मुताबिक हमेशा किया। यानी सिर्फ दीनी आप उसके लिए नहीं कह सकते, बल्कि हर इंसान असल में वो सबक ले रहा है ना। और असल काम ये है कि हम अपने अंदर वो नज़र पैदा कर सकें जो कि तारीख के मुताले से बग़ैर किसी, जो आपने लफ्ज़ तासुब इस्तेमाल किया है, तासुब के और बग़ैर किसी शख्सी अप्स एंड डाउन्स के या जो शख्सी कमजोरियां हैं उनको देखते हुए या उनके साथ चलते हुए वाकई ठीक नहज के ऊपर उससे सबक हासिल कर सकें, उसके अंदर सलाहियत हो अपनी तारीख को समझने की। और दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि मुझे लगता है कि हमारे लिए तारीख बहुत खूबसूरत कुरान के अपने अंदर पोशीदा है, अंबिया की तारीख है, कुरान का अपना एक खास मिजाज है, जो कि कुरान दरअसल जाहिर है आखरत के लिए आपकी तैयारी करवाता है। और जो कुरान जो तारीख बताता है वो अंबिया की तारीख बताता है, प्लस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारे लिए बहुत बड़ी रहनुमाई है तारीख के हवाले से ना। आप जिंदगी गुजार नहीं सकते हैं, तकलीफ उठाते रहते हैं जिंदगी के अंदर अगर आपको सीरत का नहीं पता, वरना सीरत आपके लिए ठंडा ठंडा सा एक एहसास जो है वो देती है। तो मुझे लगता है कि ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हम सारे इस पहलू को पैदा कर अपने अंदर एक नजर पैदा करने की सलाहियत रखें कि हमें तारीख से सीखना कैसे है। मैं बंद कर रही हूँ। जज़ाकअल्लाह खैरन कसीरा। अच्छा, मैंने गलती से अगला टेक्स्ट कह दिया, अगले सवाल पर चलते हैं अजीज साथियों। अगला सवाल ये था पहले टेक्स्ट के हवाले से ही, अंबिया ने इंसानी माशरे की हमेशा नई शिराजा बंदी की, क्यों? कौन साथी जवाब देना चाहेगा? जी तैयबा। अच्छा, मेरा वैसे ना भाई जो था वो पिछले सवाल पर था, वो मुझे इन बाजी जब बात करी थी तो एक पॉइंट मेरे जहन में आया था। मैं इस सवाल को भी छोड़ देती हूँ, अभी आप देखें किसी और से जवाब लीजिए, समरीन का आइए, फिर इंशाल्लाह ताला मैं बात करती हूँ। आप अपना पॉइंट बोल दीजिए, मुख्तसर बोल दीजिए। अच्छा, बस मुझे ये लगा कि एक तारीख वो है ना जिसके ऊपर इस वक्त हम बात कर रहे हैं, एक मेरी अपनी भी एक तारीख है ना, मेरा हर गुजरता दिन मेरा असल में माजी बन रहा है, और उसमें मेरी जाती जिंदगी की जो तारीख है, जो मेरी हिस्ट्री है, जाहिर है पीछे से आप देखें, अगर आज मेरी उम्र 46 साल है तो पीछे से मेरा बचपन, मेरी जवानी, मेरा शादी के टाइम के बाद का पीरियड और अभी तक मैं जहाँ पहुँची, मैंने अपनी ज़िंदगी से क्या सीखा है ना, एक मेरी ज़ाती ज़िंदगी, दूसरी मेरी जमाती ज़िंदगी, जो मैं जमात से अगर मैं 16 साल से 17 साल से या जो भी जितना भी टाइम हुआ जुड़ी हुई हूँ, तो उसमें मैंने आज तक कितना लर्न किया, उसके लिए मैंने क्या एफर्ट किया है,
उसमें मुझे अपने यानी मेरी एक नजर अपनी जात के ऊपर होना इस पहलू से भी बहुत जरूरी है कि मैं बाकी सब चीजों से तो सीखूंगी क्योंकि वो मेरे सीखने के लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये पहलू भी हमेशा मेरे सामने रहना चाहिए कि अगर मैं अपने आप को इम्प्रूव करना चाहती हूँ, बेहतर करना चाहती हूँ, तो मैं पीछे से पीछे जाके सारी चीज को देखूं, गौर करूं, और फिर इंशाल्लाह ताला जो पहलू मुझे अपने अंदर नजर आते हैं उन पहलुओं से भी मैं अपने आप को शाबाश दूं जिसमें मैंने अपने आप को बेहतर किया है और जिसमें मुझे स्टिल अभी जरूरत महसूस होती है, उसके लिए अल्लाह से दुआएं मांगते हुए और अपने जमात के साथियों का साथ मेरे लिए ज़ाहिर तकवीयत का बाइस है, और प्लस ज़ाहिर है मेरी अपनी नज़र है तो मुझे इससे भी यानी अपनी जाती तारीख का मुताला भी मेरे लिए अहम है। बस ये कहना चाह रही हूँ, मैं बंद कर रही हूँ। जज़ाकअल्लाह, बहुत अहम बात थी तैयबा जी की तरफ से। अच्छा साथियों, अब हमारा जो सवाल है वो ये है कि अंबिया ने इंसानी माशरे की हमेशा नई शिराजा बनने की क्यों? जी समरीन, दूसरे सवाल के हवाले से मुख्तसरन बात रखूंगी। एक नबी के बाद दूसरे नबी आने का जो दरमियानी फासला है उसमें लोग ग्रोहों में और मुख्तलिफ कबीलों में बढ़ जाते थे, उसकी बुनियाद पर एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते थे, दुश्मन बन जाते थे, और अंबिया अलैहिस्सलाम ने उन सबको एक बुनियादी दावत पर बुलाया कि एक बुनियाद है कि इस पर सब इकट्ठे हो जाएं ताकि ये चीज़ सबको एक दूसरे से जोड़ देगी। बुनियादी दावत की तरफ लाने या देने से लोग इज्तमाई से जुड़ जाते थे, असल चीज़ तो इज्तमाई से जोड़ना था ताकि वो एक मजबूत कुव्वत बन जाएं। जैसे इस्लाम ने इज्तमाईत की बुनियाद पर इसार ईमान इत्तेहाद पे रखी है, तो ये उसी सूरत में अप्लाई किया जा सकता है जब इज्तमाईत हो, यानी ईमान कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, अगरचे हर एक का एक ज़ाती ईमान होता है लेकिन उसको अप्लाई करना घरों के अंदर नहीं होता। जैसे इसार है, जब तक हम इज्तमाईत से नहीं जुड़ेंगे इसार कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मोहब्बत है अपने घर के अंदर तो होती है, लेकिन खानदान से, गरीब से, किसी जख्मी माजूर बीमार से, जो हमारे माशरे में रहते हैं, जिनसे हमारे ताल्लुकात होते हैं, तो ये अप्लाई तो उसी सूरत में हो सकता है ना कि जब हम इज्तमाईत से जुड़े हुए हों, वरना हर कोई यही करेगा कि मैं अपने घर में मोहब्बत से रह रही हूँ, तो सारी चीज़ें अप्लाई नहीं की जा सकती इसमें। अच्छा, इनफरादी तौर पे तो होगा ये ऐसे, लेकिन इज्तमाही तौर पे ऐसा माशरा वजूद में आ ही नहीं सकता जिसकी अम्बिया कराम ने दावत दी। वजह यही होती थी कि अम्बिया कराम के जाने के बाद लोग ग्रोहों में बढ़ जाते थे, हर किसी को अपनी ज़ाती गर्ज होती थी, इस वजह से वो अम्बिया कराम की तालीमात से दूर हो जाते थे, और एक नबी के बाद दूसरे नबी की ज़रूरत महसूस हुई थी, होती थी। और जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज्तमाईयत की तालीम दी कि इज्तमाईयत पर अल्लाह का हाथ होता है। जी इतनी बात रखूँगी, अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकअल्लाह खैरन कसीरा समरीन, अहम गुफ्तगू थी आपकी जानिब से, बल्कि आपकी गुफ्तगू के वक्त मुझे ख्याल है कि आपकी गुफ्तगू को रिलेट किया जा सकता है सूरह अल माईदा आयत 2 के साथ। जैसे आपने कहा कि एक इसी वजह से फिर एक नबी के बाद कुछ अरसे बाद दूसरा नबी भेजा जाता था ना, और इसको मैं ऐसे रिलेट करूंगी, वो जो आयत है ना सूरह अल माईदा आयत 2 के, वताअवनु अलल बिर्री वत्तक्वा वला तआवनु अलल इस्मी वल उद्वान, इसका मफहूम आयत का ये है कि नेकी और तकवा के कामों में एक दूसरे से ताउन करो और गुनाह और सरकशी के चीजों में मतलब ताबू ना करो। तो यानी जब कौम का टीम वर्क जब तक नेकी और तकवा पे चल रहा होता है तब तो खैर होती है, लेकिन तारीख में भी और आज हाल में भी जब कौम का टीम वर्क गुनाह के कामों में और सरकशी के कामों में ज्यादा तेज चलने लग पड़े तो फिर जाहिर है कि इसलाह की जरूरत होती है। इसी वजह से उस वक्त अम्बिया आते थे और आज के दौर में ये जो पुकार है ला इलाहा इल्लल्लाह की, इसको पुकारते रहना हम सबका फर्ज है बावाज़े बुलंद। जी नौशीद, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अच्छा, वैसे तो सिमरीन ने जो बात रखी है वही बात है मेरी भी तकरीबन, के जब चलते चलते हम, मुझे ये लगता है कि जब हदायत एक दफ़ा आती है ना हम उसको फॉलो करना शुरू करते हैं, ऑफ कोर्स
एक टाइम था जब दादा आदम अलैहि सलाम आए थे, उस वक्त तो कोई नॉन मुस्लिम्स नहीं थे ना, मतलब सारे ही अल्लाह पर ईमान रखने वाले थे। लेकिन फिर क्या है कि शैतान साथ लगा हुआ है ना, तो इंसान फिर राह से भटक जाता है, और भटकते भटकते फिर वो वही बात है, इतनी दूर चला जाता है कि बिल्कुल जो बेहदायती है वो उसको ही शायद हदायत समझने लग जाता है, उस पर जमा हो जाता है और उसको आगे लेके चलना शुरू कर देता है। तो फिर इसलिए जरूरत पड़ती है कि दोबारा से अम्बिया को भेज के उनको दोबारा से हदायत की तरफ बुलाया जाए ना। और उसमें मुझे लग रहा था जो हमारे शायद लेने का इस वक्त सबक है वो यही है कि किसी भी वक्त किसी भी लम्हे हमें ये नहीं सोचना चाहिए जब हम चल पड़ते हैं, जैसे भी जमात की हमारी बात है ना, कि हम जमात से जुड़ जाते हैं, हम एक चीज पकड़ लेते हैं, हम कहते हैं नहीं अब हमने अल्लाह की किताब को पकड़ लिया, या चले हमने कुछ उसूलों को पकड़ लिया और हम समझ रहे हैं कि अब हम सही रास्ते पे जा रहे हैं ना, लेकिन नहीं, हमें बार बार खुद को चेक करने की जरूरत है कि हर थोड़े अरसे बाद हम देखें कि हाँ जो जिस रास्ते पे हम चले थे क्या मुसीबत आ रही है, या उसको टैली करें दोबारा कुरान और सुन्नत से और वही हिस्ट्री के थ्रू दोबारा से देखें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को, सहाबा की जिंदगियों को, जहाँ कहीं हम कोई फैसला लेने लगे हैं वहां पर उस चीज से रिलेट करें। क्योंकि इस चीज पे गुमान ये कर लेना कि हमने एक दफा सब कुछ समझ लिया और हमने इस चीज को पकड़ा और अब हम लेके चल रहे हैं और शायद हम सही ही जाते जाएंगे हमेशा, तो ये गलत कॉन्सेप्ट बन जाता है ना। तो हर जगह पे हमें जरूरत है, चाहे हम जमात में है चाहे इनफरादी जिंदगी में है, कि हम अब सेटिस्फाइड ना हो इस चीज से कि हाँ हमने चीज को समझा है और अब हम हक पे चल रहे हैं, नहीं, वो हमें फिर चेक अपने ऊपर लाजमी रखना है ना, हर चीज में हर मामले पे चलते हुए और हर थोड़े अरसे बाद मुझे लगता है हमें इस चीज को दोबारा से देखना है कि हाँ हम कहीं उस सिराते मुस्तकीम से हट तो नहीं गए हैं, और खुद से अपना जो है मुहासबा कह लें या जो भी वो करना है ना, जो मुझे समझ आई है इस चीज से। जज़ाकअल्लाह खैर। जज़ाकअल्लाह खैरन कसीरन औशीन, बहुत अहम जवाब था आपकी तरफ से भी, और आपकी बात सुनते हुए मेरे जहन में आ रहा था कि हाँ फिर तो इंसान की जरूरत है सेल्फ चेक एक्टिविटी या रिफ्रेशर कोर्सेस, ताकि वो गौर कर सके ना। जी मुजयन प्लीज आप बात कीजिए और उसके बाद इंशाल्लाह अगले सवाल पर जाएंगे। अच्छा, वैसे नौशीन की बात में मेरी बात का काफी सारा हिस्सा शायद आ गया है, लेकिन मैंने जो बात कहनी है वो थोड़ा सा उसका रुख ये है कि फारसी का शेर है कि खिश्त अव्वल चू नहद मामार कच ता सुरैया मी रवत दीवार कच, अगर मामार पहली ईंट छोड़ी सी भी टेढ़ी रख दे तो ता सुरैया, तो सुरैया तक यानी सितारों तक दीवार जो है वो टेढ़ी चली जाएगी। और यही इंसानों का प्रॉब्लम है हमेशा कि वो गलत ईंटें रख देते हैं, टेढ़ी ईंटें रखते हैं, और माशरा टेढ़ी ईंटों के साथ टेढ़ी दीवारों के साथ चलना शुरू हो जाता है, और वो फिर उसके अंदर शऊर रहता नहीं है ना। अंबिया ने हमेशा इसी वजह से नई शराजा बंदी की थी कि वो चीज जो थी वो अपने असल सिराते मुस्तकीम से हट जाती थी। अच्छा, दूसरा उसका जो रुख है इस वक्त के एतबार से, मुझे लगता है कि ये जो जिम्मेदारी है हमारी, बाज़ुकात में सोचती हूँ कि हम जो गलत काम कर रहे हैं उसके जो सदियों तक बाद में असरात आएंगे, जाहिर हम तो भुगतेंगे ही अल्लाह ताला के आगे जाके, लेकिन वो माशरों पे कितने बुरे असरात डाल के जा रहे होते हैं, हम में से हर शख्स का अमल कितना बुरा असर डाल के जा रहा होता है। तो हमारे पास फिर असल कसौटी कुरान है। और तीसरा पॉइंट ये है कि उस कसौटी को ठीक समझना, जो भी नौशीन की बात थी बहुत इंपॉर्टेंट थी, कि जब हम चलते हैं और हम समझते हैं बस हम ही ठीक हैं, हमारी ही चीज ठीक है, जो बात मैं समझती हूँ बस यही ठीक है, ऐसा नहीं होता है। हमारी अपनी चीजों के अंदर भी हमेशा इस्लाह की गुंजाइश रहती है, क्योंकि हम तो परफेक्शन पे है ही नहीं ना, सिवाय अंबिया के वही थे। तो हमें तो रास्ता तलाश करना है मुस्तकिल, वो कसौटी और वो कंपस जो आपको नॉर्थ की तरफ लेकर जाती है, और वो जरा सी भी आप हिलेंगे तो वो वापस जाएगी, यही कुरान को हमें पिक करना है और अपने अंदर ये सलाहियत पैदा करनी है। इसी को बस मैं मुख्तसर सा बात ये रख देती हूँ कि इसको ऐसे समझना चाहिए कि हम समझते हैं हम मुसलमान ठीक है, मिसाल दे रही हूँ, हम मुसलमान ठीक है, हम हर चीज में बिल्कुल परफेक्ट हैं, और बाकी सारी कौमें जो हैं वो बिल्कुल गलत हैं। अगर हमारे अंदर ये कसौटी कुरान की मौजूद हो तो हम समझ सकें कि उनका क्या सही है, हमारा क्या गलत है, हमारा क्या सही है, उनका क्या गलत है। ये कसौटी अगर हमारे अंदर हो तो मुझे लगता है कि मौजूदा दौर में जो शिराजा बंदी है वो आसान हो जाएगी, वरना जाहिर है कि हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा
कि फिर हम अबा अजदाद के असूलों के ऊपर ही फिर चलते रहेंगे। मैं बंद करी। आवाज नहीं आ रही। जी बिल्कुल आ रही है। जज़ाकअल्लाह खैरन कसीरा मुज़य्यन। अच्छा अजीज साथियों, अब हमारा जो अगला सवाल था पहले टेक्स्ट के हवाले से, आले इमरान आयत 103 का पस मंजर क्या है? कोई साथी इसको जल्दी से बयान कर दे। जी तैयबा। बहुत माजरत आलिया, मेरा तो वो सेम केस है पहले वाला। मेरा ख्याल है आप किसी और को ले लीजिए, मैं म्यूट करती हूँ। तैयबा बात रखें प्लीज, आप बात रखें। अच्छा बहुत माजरत, वो असल में जहन में चीजें बहुत से चल रही होती हैं। देखें मुझे ये लगता है शराजा बंदी किसे कहते हैं ना, पहली चीज तो ये है, यानी मुंतशिर अज्जा को जमा करना शराजा बंदी है ना। जब कौमें बहुत मुंतशिर हो जाती थी, यानी आप किसी का कोई अकीदा बन गया, किसी का कोई अकीदा बन गया, कोई जब गुनाहों में बहुत आगे बढ़ गई कौमें, तो अल्लाह ताला ने जाहिर है उस वक्त की जरूरत के हिसाब से अंबिया भेजे। अब जाहिर है कोई नबी नहीं आना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। मैं बस एक छोटी सी बात रखना चाहती हूँ। पिछले दिनों हमारे को जानने वाले हैं वो उमरा करके आए हैं, और जब हमने उनको अपने घर बुलाया, उनकी दावत की, तो वो बता रही थी खातून के हम सहाबा की कब्र से पत्थर लेके आए हैं, और वो पत्थर अब हमने, मेरी तीन बेटियां हैं तो एक बेटी ने पता नहीं अपने किचन में रखा हुआ है, एक बेटी ने अपने कमरे में रखा हुआ है। मुझे वो बहुत पीछे जाके वो बात याद आ गई, बिल्कुल शुरू की जो वक्त था, जब यानी अरब की जो हम तारीख पढ़ते हैं या इंसान की जब हम तारीख पढ़ते हैं कि वो कैसे बुत परस्ती तक पहुंचे, तो उसमें शुरू में तो कोई पत्थर ही थे ना जो वो उठा लेते थे रास्तों से और अपने घरों में ले आते थे और फिर बुत बन गए और ये वो सब। यानी पॉइंट मेरा ये है कि हमें अंदाजा ही नहीं है कि यानी इंसान किस लेवल पे इस वक्त पहुंच गया है ना, हम किस हद तक अजीब और गरीब चीजों में चले गए हैं। तो उसमें कितना जरूरी है कि हम अपनी जिम्मेदारी को समझें कि इस वक्त बाहसियत जमात, बाहसियत हल्का नूरुल ईमान के मेंबर के इज्तमाही तौर पर और इनफरादी तौर पर कितनी भारी जिम्मेदारी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऊपर है। अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए कह रही हूँ कि जाहिर है ये भी अल्लाह का इंतखाब है ना, तो हम अगर अल्लाह ने हमें इस काम के लिए चुना है तो असल में तो हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकते, और उसके लिए जाहिर है फिर हमें अपने आप को तैयार करना है ना। अच्छा एक तो ये था कि और उसमें फिर जो एक बहुत बाजी ने बात रखी थी ना दूसरी कौमों की और इस तरह से, तो मुझे लगता है कि जिस बात पे आजकल मेरा बहुत ध्यान जाता है वो ये है कि आप बनी इसराइल को अगर आप देखते हैं कुरान के अंदर, तो अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के यहूद को उनके सलफ के किस्से सुनाते हैं ना। यानी जो बनी इसराइल की हिस्ट्री है ये बेसिकली वो तो पीछे जो नबी हजरत मूसा के दौर के यहूद थे उन्हीं की बात होती है ना, उन्होंने ये किया और वो सारी बात तो उनकी है ना। इससे जो बात समझ आती है ना वो ये है कि सलफ जो होते हैं, जो आपके अबाउ अजदाद होते हैं, जो आपके बड़े होते हैं, उनका एक बहुत बड़ा किरदार होता है। वो अच्छा निभा जाए तो सुरखरू हो जाते हैं, सदका जारिया बना जाते हैं, और अगर वो बुरा निभा जाए तो फिर वो एक यानी कह लें कि बहुत भारी बोझ अपने कंधों पर अपने साथ ले जाते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी, आज हम मौजूद हैं लेकिन कल हम माजी होंगे ना, और कल हम हर एतबार से इस जमात का एक मेंबर होने के एतबार से भी हमारा एक किरदार है, उसमें हम अपनी जिम्मेदारियों को कैसे निभा रहे हैं, कितने हम डेडिकेशन है हमारी हल्के के साथ, जमात के साथ, अल्लाह के दीन के साथ, या कितने हम सुस्त पड़ जाते हैं। और इसी तरह से बहसियत एक आम फर्द इस मुआशरे के भी जाहिर है फिर हमारा एक किरदार है ना, जो महफूज हो रहा है, जो लिखा जा रहा है, जो आगे की नस्लों तक किसी ना किसी तरह से पहुंचेगा। इसलिए बहुत अहम चीज ये है कि हम उस चीज पर जाएं जहां पर और मुझे सॉरी इसमें ये अहम पॉइंट ये है कि इसीलिए फिर कुरान ने जिस चीज पर बहुत जोर दिया है वो अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर है। नहीं अनिल मुनकर के हवाले से मुझे समझ आती है कि हम अब उस दर्जे पे आ गए हैं कि हमने बुराई को बुराई समझना, बुराई को बुराई कहना और बुराई से रोकना, तीनों दर्जों में हम बहुत नीचे चले गए। जबकि असल चीज किसी भी मुआशरे की शराजा बंदी को मुस्तहकम रखने के लिए जरूरी है कि ये तीनों लेवल, जाहिर है आप अमर बिल मारूफ तो कर रहे होंगे, शायद अभी भी किसी लेवल पे हम करते ही हैं, लेकिन नहीं अनिल मुनकर जो है वो मफकूद है।
और वो मुझे लगता है कि शराजा बंदियों में बहुत बड़ा रोल असल में उसी चीज का है। बस मेरे जहन में यही पॉइंट है। जजाकल्ला खैरन कतीरा। नजफ जी ने आई लिखा है, नजफ जी मेरी आपसे दरख्वास्त ये है कि आप मेरे अगले सवाल का जवाब दें ताकि हम आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है आले इमरान आयत 103 का पस मंजर क्या है, अगर मुमकिन हो तो प्लीज इसका जवाब दे दीजिए। नजफ जी, दूरा नजफ जी, क्या आप बात कर रही हैं? आपकी आवाज हमें नहीं आ रही। अगर आप लिख के बता दें कि आपने अपना माइक ऑन किया है। अच्छा, इस वक्त मुझे चूंकि नजफ बहन की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला तो इंशाल्लाह जब रिस्पांस मिलता है तो मैं इन्हें बात करने का मौका देती हूँ। उस वक्त तक कोई और साथी इस सवाल का जवाब दे दें, आले इमरान आयत 103 का पस मंजर क्या है। जी सुमी प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तसरन पस मंजर है जो लिखा हुआ है कि वो इस्लाम लाने से पहले जाहिलियत का दौर था, दुश्मनी नस्लों तक चलती थी, फक्त इस पर ही लड़ाई हो जाती थी कि अपने जानवरों को पहले किसने पानी पिलाना है, यानी सिर्फ इतनी सी बात पे लड़ाई हो जाती थी। ऐसा जाहिलियत का दौर था, यानी इसार नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। और जब इस्लाम आया तो ज़िंदगी बदल दी, जैसे कि एक मिसाल है गजवा के मौके पर पानी पिलाया जा रहा है, एक के बाद दूसरे के पास जाना, एक साथी अगले साथी के पास भेज रहा है कि आप पानी उनको पिला दें, और जब लास्ट से फिर फर्स्ट पे आते हैं तो वो अपने रब से जा मिलता है। वो तो मेरे जहन में तो बस ये है जो लिखा है ना। जज़ाकअल्लाह खैरन कसीरा समरीन, आपने मुख्तसर और जामे जवाब दिया। तो जी साथियों, आले इमरान का 103 आयत का पस मंजर हमारे सामने आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पहले टेक्स्ट का आखिरी सवाल है, टीम वर्क में फूट का अंजाम क्या होता है। याद रखिएगा, जाहिर है जो मैंने टेक्स्ट दिए ये क्वेश्चन उसी के अंदर से हमने निकाले, तो क्या समझ आती है कि टीम वर्क में फूट का अंजाम क्या होता है, क्या हम अखज कर सकते हैं आज तक के अपने एक्सपीरियंस से। जो साथी भी बात रखना चाहे आप आए लिखें, इंशाल्लाह मैं आपके साथ मौका देती हूँ। टीम वर्क में फूट का अंजाम क्या होता है। जी समरीन और फिर सौलिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, फूट का अंजाम तबाही के घड़े के करीब खड़े हो जाएंगे, एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे पनाह मांगी है, जो मुसीबत का शिकार हो गया वह जहन्नुम के घड़े में जा गिरा। और फूट पड़ना टीम वर्क में, इज्तमाईयत की चीज़ ख़त्म हो जाएगी, अल्लाह का हाथ उठ जाएगा। इनफरादी तौर पर हर फर्द अपने अपने मसले से दो चार होगा, जैसा कि सूरह असर में है कि इंसान खसारे में है मगर वो लोग जो ईमान लाए, नेक अमल की तलकीन करते रहे, और इसमें इज्तमाईयत की बात आ जाती है ना। और टीम वर्क में फूट से जो बचना है ना, वो तो इसी मतलब इसकी कई सूरतें हैं कि एक तो अपने साथी पे भरोसा करना। समीन, समीन, बचने का जो सवाल है ना वो हमारे सेकंड टेक्स्ट से रिलेटेड है, उसको हम बाद में देखेंगे। हम पहले असल में इबरत हासिल करना चाह रहे हैं कि टीम वर्क में फूट का अंजाम क्या होता है। आपने जवाब दे दिया, जज़ाकअल्लाह खैरन कसीरा, और बल्कि बाकी साथियों के जवाब भी पढ़ती हूँ। अंजाम जो है टीम वर्क में फूट का, वो हमारी साथी लिखती है कि इंतशार मजीद बिगाड़। बिल्कुल ऐसा ही है। एक और साथी ने लिखा कि नो वन रीच द गोल। एग्जैक्टली 100% करेक्ट। एक और साथी ने लिखा कि दिल की तंगी दीन का काम पर असर। बिल्कुल असर आता है।
आखिर में काम ही छोड़ देना, हाँ ये बिल्कुल, फिर एंड इफेक्ट में ये भी तो इसमें भी खसारे में यानी हम जाते हैं ना। और फिर एक और साथी ने लिखा कि जिनसे लोगों ने सीखना था वो खुद वक्त की बदतरीन मिसाल बन जाएंगे, ये भी एक बड़ी इबरत की बात है। और एक साथी लिखती है कि वो एनर्जी जो आगे जाने पुश करने में लगनी थी वो आपस में ही लग गई, ये किस कदर अफसोस की बात है ना। और मैं समझती हूँ मेरी जिस साथी ने जिन्होंने अभी आखिरी कमेंट लिखे हैं इन्होंने सम अप दे दिया है सवाल का कि टीम वर्क में फूट का अंजाम क्या होता है, और वो अंजाम पे मेरी साथी लिखती हैं, और जब गल्ला बिखर जाएगा तो शेर आसानी से शिकार कर लेगा। अल्लाह ताला हमें इस चीज़ को समझने की अच्छी सी तौफीक अता करे, खूब तौफीक अता करे, हमें मांगनी है ये तौफीक अपने रब करीम से बार बार। अजीज साथियों अब हमारा टेक्स्ट टू पढ़ने का वक्त है, कौन साथी इसकी रीडिंग करना चाहेंगी, जल्दी से आई लिखिए। जो साथी टेक्स्ट टू को पढ़ना चाहती हैं वो टेक्स्ट के हवाले से नहीं है ना। सोलिहा, ठीक है सोलिया आप बात कीजिए, और फिर कोई साथी आई लिखिए प्लीज। सोलिया क्या आप बात रख रही हैं, हमें आपकी आवाज नहीं आ रही, आपने माइक ऑन किया है, हमें प्लीज चैट में लिख दीजिए कि आपका माइक ऑन है। अच्छा जी साथियों चूंकि वक्त कीमती है मुझे सोलिया की तरफ से इस वक्त कोई रिस्पांस नहीं मिला, हम फिर वक्त आगे बढ़ते हैं। और तैयबा जी आप प्लीज सेकंड टेक्स्ट पढ़ दें, मैंने आप ही का नाम चैट में आखिरी दफा देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सेकंड टेक्स्ट पढ़ दीजिए प्लीज। जी अच्छा ये जहां पे आपने मुझे रोकना होगा फिर आप रोक दीजिएगा, मैं पढ़ती हूँ। इस्लाम की इज्तमाइयत महज खारिज की इज्तमाइयत नहीं बल्कि दिलों की इज्तमाइयत है। इस्लाम महज कानूनी इतिहाद को इतिहाद नहीं समझता, वो इस बैरूनी इतिहाद की बुनियाद इंसानी कुलूब में रखता है। उसकी असल अकीदे और नजरिए का इतिहाद, उमंगों और तमन्नाओं का इतिहाद, अजाइम और जज्बात का इतिहाद है। वो खारिज में भी सबको एक शिराजा में मुंसलिक करता है और दाखिली तौर पर भी उनको अखुवत और बरादरी के रिश्ते में जोड़ देता है। हक ये है कि सच्चा इतिहाद उसी वक्त रूनुमा होता है जब ये दोनों कैफियतें पूरी तरह मौजूद हों। मस्नूई इतिहाद कभी देरपा नहीं होता, नफरत और बुख्स से भरे हुए दिल कभी जुड़ नहीं सकते, झूठा झूठा रख रखाव कोई इतिहाद पैदा नहीं कर सकता। खुद गर्जाना इतिहाद इंतशार और इफ्तिराक का पेश खेमा होता है और महज कानूनी बंधन किसी हकीकी मिलाप और रफाकत की बुनियाद नहीं बन सकते। यही वजह है कि इस्लाम ने इज्तमाईयत की बुनियाद ईमान मोहब्बत और ईसार पर रखी है। इस बुनियाद पर उस्तवार होने वाले ताल्लुकात वो आहनी चट्टान होते हैं जिसे टकराकर बड़े बड़े तूफान सिर्फ अपना सर फोड़ सकते हैं, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इन बुनियादों पर वो मुआशरा उस्तवार होता है जिसमें तनाजा लिल बका की जंग जगह तनाजा लिल बका की जगह ताउन और इश्तराक अमल रूनुमा होता है। यहाँ हर शख्स दूसरे का सहारा होता है और हर फर्द दूसरे का मुआविन और मददगार। यहाँ गिरते हुए को गिरने नहीं दिया जाता बल्कि बीसियों हाथ उसकी मदद के लिए आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पीछे रहने वालों को छोड़ नहीं दिया जाता बल्कि सहारा देकर आगे बढ़ाया जाता है। ये मुआशरा फर्द को मुश्किलात का मुकाबला करने के लायक बनाता है और गिरतों को थामने का काम अंजाम देता है। तहरीके इस्लामी के कारकुनों के लिए ये अमर बुनियादी अहमियत रखता है कि वो इन बुनियादों को खूब अच्छी तरह समझ लें जिन पर इस्लाम इज्तमाई ताल्लुकात को उस्तवार करता है और फिर अपनी कुव्वतों को इस मकसद के हुसूल के लिए इस्तेमाल करें। जज़ाकअल्लाह खैरन कतीरा तैयबा जी, हम यहीं रुकते हैं, ये हमारा टेक्स्ट टू था। अजीज साथियों इससे मुतालिक दो सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि टीम वर्क में फूट से कैसे बचा जा सकता है, जो साथी जवाब देना चाहें, बल्कि मैं तो समझती हूँ कि हर फर्द इसमें हिस्सा डाले ताकि हम सुनहरी उसूल लेके उठें।
टीम वर्क में फूट से कैसे बचा जा सकता है। अजीज साथियों, आई लिखिए, जवाब दीजिए, या अपने कमेंट्स के जरिए, रिटन कमेंट्स के जरिए जवाब दीजिए। अच्छा, नजफ ने लिखा है कि माइक की आवाज नहीं है। अच्छा, हमें बहुत खुशी होती है हम आपकी आवाज सुनते हैं नजफ जी। अच्छा, नायाब की जानिब से जवाब है कि ईमान, मोहब्बत, ईसार। बहुत अच्छा, यानी टीम वर्क में फूट से ईमान, मोहब्बत, ईसार अगर हमारे अंदर मौजूद है तो हम जरूर बचेंगे। बाहम मशवरा करें, वसी कल्बी इख्तियार की जाए। बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि जो साथी ने लिखे वसत कल्बी एक बहुत बड़ा, मैं समझती हूँ, सतून है जिसके जरिए हम फूट से बच सकते हैं। जी नौशीन, प्लीज आप बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आलिया बच्चे, पहले समरीन और सालिहा का आई है। अच्छा, सालिहा प्लीज आप बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब आवाज आ रही है आलिया जी? आलिया जी, मेरी आवाज आ रही जी? बिल्कुल जी, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। साथियों, मैं एक चीज क्लियर कर दूं, ये मेरा अपना भी इस वक्त नेट मुझे लगता है थोड़ा सा स्लो चल रहा है, तो मैं रिस्पांस देने में चंद मुझे सेकंड्स लगते हैं। जी सौलिया, प्लीज आप बात कीजिए। जी, फूट से बचने का तरीका, तो सबसे पहली चीज जो मेरे जहन में आती है वो ये है कि अगर इंसान किसी भी इदारे में, किसी भी जगह पर, किसी भी रिश्ते में अगर अपनी मैं को खत्म कर दे कि मैं ही इम्पोर्टेंट हूँ, मैं ही ठीक हूँ, मैं ही सही कह सकती हूँ, तो मेरा ख्याल है कि हम हर जगह पर अपने ताल्लुकात बचा के बड़ी खुश असलूबी से चल सकते हैं। अगर मेरे अंदर मैं है तो फिर मैं ही हूं, और अगर मेरे अंदर हम है, हम, तो फिर हम कामयाब है। इसके अलावा आलिया जी, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि मुझे थोड़ा सा, अगर आप मुझे वक्त दे दें, चाहे क्लास के आखिर में मुझे कुछ कहना है, क्लास के भी हवाले से और हल्के के भी हवाले से, मैं आपकी मशकूर रहूंगी। जजाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठीक है सौलिया, इंशाल्लाह हम देखेंगे क्लास के आखिर में, मुझे याद करा दीजिएगा। आपकी बात मैं के हवाले से जब मैंने सुनी तो मेरा दिल चाहा कि मैं ये जो क्वेश्चन है टीम वर्क में फूट से कैसे बचा जा सकता है, आपकी बात को सामने रखते हुए मुझे इंग्लिश का कोट याद आया। गौर से सुनिएगा जी साथियों, व्हेन आई, यानी जो हम कहते हैं ना मैं, व्हेन आई इज रिप्लेस्ड बाय वी, यानी डब्ल्यू ई जो इंग्लिश का है ना, ई फॉर एलिफेंट। When I is replaced by we, even illness becomes wellness. और कीजिएगा प्यारे साथियों। जी समरीन, बात कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीम वर्क में फूट से बचना, इसमें दो तीन मैंने पॉइंट लिखे हैं कि एक, अपने साथी पे भरोसा, उसके मशवरे पे इतमाद करना, और सबसे बढ़कर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अमीर की इताअत करना। अगर ज़ाती गर्ज़ को देखें तो फिर ना तो इज्तमाईत बाकी रहेगी, टीम वर्क तो मुमकिन ही नहीं, क्योंकि हर कोई अपनी मर्जी करेगा, और टीम वर्क में हर कोई एक दूसरे का मुआविन और मददगार होता है। और मुख्तसरन ये कि अपने ज़ाती मकसद को इज्तमाईत पर तरजीह देना। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकअल्लाह खैरन कसीरा समरीन। जी नौशीन, बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, मुझे आलिया बाजी जितनी समझ आती है ना, जब भी मैं इस चीज़ पे सोचती हूँ, टीम वर्क, अभी हम यही दीनी हमारी जमात है, हम उसके हवाले से ही बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है अगर मकसद जो है ना वो हमारी नज़रों में रहे हमेशा, और ख़ास तौर पर जब कोई इंतशार पैदा हो, कोई इख्तलाफ पैदा हो, तो अगर हम उस चीज़ को साथ लेकर चले ना, तो शायद हम संभल जाए ना। फिर हमें वो भी जो भी पहले आए थे पॉइंट्स के, टीम वर्क में अगर इंतशार पैदा हो जाए तो नुकसान क्या है, तो उस नुकसान फिर हमारे सामने होंगे, हमें पता चलेगा कि हम दीन को नुकसान पहुंचा रहे हैं ना, छोटी बात नहीं है। मतलब वो चीज़ फिर हमें हिलाएगी ना कि हाँ, ये तो मतलब जो हम पर्सनल सा नॉर्मल सा लेके इख्तलाफ को चलते हैं ना, तो हम कर जाते हैं इख्तलाफ, लेकिन जब इस चीज़ पे सोच होगी ना कि हमारा मकसद क्या है, और जब अगर ये मकसद हम पूरा नहीं कर रहे हैं तो दीन जो है वो नुकसान में जा रहा है, तो फिर इससे बचा जा सकता है ना। और उसमें फिर ये भी एक पॉइंट मेरे जहन में आ रहा था कि ये नहीं है
इंतशार से बचने का तरीका कि हमेशा बस बात छोड़ देनी है ना, मतलब हमने बहुत मुखलिस हो के कोशिश करनी है कि अगर बात छोड़ने से बात संभल रही है तो छोड़ दे, और अगर छोड़ने से बिगड़ रही है, जैसे कहीं पे कोई नुकसान पैदा हो जाएगा, कहीं पर कुछ गलत हो जाएगा और वो दीन को नुकसान चीज पहुंचा जाएगी, तो वहां फिर उसके लिए हम खड़े हों, जैसे कहते हैं ना हक के लिए खड़े होना, कि वहां पे फिर आवाज बुलंद करनी, वहां पर कहना कि हाँ ये चीज ऐसे नहीं ऐसे है, मतलब वही बात है कि हम पूरा मुखलिस हो जाए अपने मकसद से, और उसके लिए फिर जो स्टेप लेना बनता हो हमारा, जहां से हमें पता चले कि हाँ ऐसे हमने ये दीन को बचाना है, नुकसान नहीं पहुंचाना ना, तो वो चीज मुझे लगता है फिर हमारी मैं को भी नहीं आने देगी, वो हमें अपने साथियों से भी मुखलिस करेगी, वो हमें अपनी बात छोड़ने पे भी लेकर आएगी, हर चीज ना अगर मकसद नजर में होगा तो। जजाकल्ला खैर, जजाकल्ला खैर कसीरा, बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे इस वक्त हमारा हल्का नूर लिमान ऑर्गेनाइजेशन का नस्बुल लैन अल्लाह की रजा और आखिरत की कामयाबी है, मैं समझती हूँ अगर इसी नस्बुल लैन पर निगाह टिकी रहे, नसब क्या है, नसब टिकाना है ना, नसब कर देना कहते हैं इसने, या इसको कील को नसब कर दिया, और ऐन आंख है, तो अगर हमारी आंख अपने नस्बुल लैन पर टिकी रहे अल्लाह की रजा और आखिरत की कामयाबी, तो मैं समझती हूँ ये बहुत बड़ा सोर्स है टीम वर्क में फूट से बचने का। जी आसिया प्लीज बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम, मुझे लगता है मेरे से पहले शायद तैयबा दरान ने आई लिखा हुआ था, भी आई लिखा हुआ है, तो मैंने नौशीन के बाद भी आपका आया हुआ है। चले ठीक। अच्छा मुझे तो यही लगता है कि पहले नंबर पे तो अगर हर बंदा अपने मकसद को समझे ना और मकसद पे नजर हो तो फिर टीम वर्क में ये मतलब ये चीज नहीं आती, और दूसरा मुझे लगता है कि एक दूसरे पे एतमाद होना मकसद के साथ साथ एक दूसरे से मोहब्बत और एतमाद भी बहुत जरूरी है। मैंने खुद ये चीज देखी है कि शैतान आपके दिलों में कुछ ऐसी बातें डाल देता है और वो पहली जो चीज करवाता है ना वो यही कहता है अंदर के आप जमात छोड़ दो, पहली चीज जो डालता है, मतलब कभी भी कोई हो, चाहे आप जमात के काम से मुतफिक हैं, आपको मोहब्बत भी है सब कुछ है, लेकिन किसी फर्द से आपका टकराव हो जाता है, कोई जमात में कोई अहम फर्द है उससे आपका टकराव हो गया और पहली वो चीज आ जाती है कि जो जमात छोड़ दे, और वो मतलब जरा अलहदा करता है ना इंसान को जमात से, तो वही जब वो उस रेवड़ से अलहदा होगा तो ही वो उसका शिकार कर सकेगा ना। तो मुझे लगता है कि इसमें एक अहम रोल ये भी है कि अगर दो लोगों का टकराव हो जाता है तो हमारे बीच कुछ ऐसे लोग जरूर होने चाहिए जो इंसाफ के साथ बात मामलात को भी देखें और समझाएं अपनी अपनी जगह पे, और मैं कहना तो नहीं चाह रही लेकिन मेरे साथ जाती तौर पे ये तजर्बा हुआ है कि किसी फर्द से मेरा ऐसे टकराव हुआ कि मेरा दिल करे कि मैं जमात ही छोड़ दूं ना बस खत्म, और मैंने आलिया बाजी से ये बात रख दी अपनी ना कि मतलब मैंने अपने मसाइल रखे बाजी आलिया के सामने, तो इन्होंने मुझे इतनी मोहब्बत से समझाया, आप यकीन करें मैं इनकी बात को सबको ऐसे समझी कि नहीं नहीं जो इन्होंने समझाया बस मैं समझ गई उस बात को ना, और मैंने अपनी चीज को छोड़ दिया पीछे कि वो मेरे साथ दूसरा बंदा उसका क्या रवैया है वो क्या करता है, मैंने उस चीज को छोड़ दिया। तो मुझे लगता है कि हमारे बीच कुछ ऐसे लोग जरूर होने चाहिए जिन पे आपको एतमाद होता है, जिनसे आपको मोहब्बत होती है, जो आपको जमात से जोड़े रखते हैं, समझाते हैं, हो सकता है कभी मैं बाजी आलिया को भी समझा सकूं किसी मामले में, या ये ऐसे होता है, ये जरूरी नहीं कि आज उन्होंने मुझे समझाया है तो कल मैं भी समझा सकती हूँ, ऐसे एक दूसरे को जोड़ के रखें, बस किसी को अलहदा ना होने दें और बंदा पॉजिटिव हमेशा बात रखे, बस यही कहना चाह रही थी। जज़ाकअल्लाह खैर कसीरा प्यारी बहन आसिया जी, मैं खुद आपसे बहुत सीखती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि आप सबसे। अच्छा हुमैरा जी का और तैयबा जी का आया हुआ है, हुमैरा जी आप प्लीज पहले बात कर लीजिए और फिर तैयबा आप समाप्त कर दीजिए, जवाब भी दे दीजिए, फिर हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मुझे जो है लग रहा है कि इसमें चूंकि हम इस्लामी लिहाज से देखते हैं तो हमें हमेशा सबसे पहले उन लोगों को देखना चाहिए जो कि इस पैगाम के अव्वल अलम बरदार कह सकते हैं हम उन्हें,
जो रसूल थे, जो नबी थे, और उनकी जो सीरतें सारी बहुत दफा कुरान करीम में बार बार रिपीट होके आ रही है। उससे एक तो मुझे ये समझ में आता है कि रेपिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमें सिर्फ मकसद जिंदगी को समझ लेना भी काफी नहीं होता, बल्कि उसको इस तरह से दोहराते रहना चाहिए कि हम जैसे दोबारा उसको सीखने की कोशिश करें। और दूसरी चीज ये कि अंबिया की रसूलों की जो सीरत है उससे हमें ये समझ में आता है कि नरमी और गमख्वारी और मुसलसल जिद्दोजहद, ये चीजें सीखनी चाहिए हम लोगों को। और खास तौर पे अभी मैं सुबह ही कहीं सुन रही थी कि जैसे अंबिया के जो काम है उनको देख के ये समझ में आता है कि वो मुसलसल लगे रहते थे और इतनी ज्यादा दिल के अंदर वो कह रहे दिल सोजी से हमदर्दी होती थी कि जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बार बार कुरान करीम कहता है शायद आप अपनी जान को इस गम में घुला ही देंगे, तो उस कम गम में घुला देना जैसे हम अपने बच्चों के साथ करते हैं। बच्चे चाहे जितना भी हमारे साथ बुरा सलूक कर लें या जितना भी बच्चा बिगड़ जाए, हम उसको कभी छोड़ते नहीं है कि भाई अब बस हो गई है, अब मैंने नहीं करना, अब मेरा इससे कता ताल्लुक हो गया। बहुत रेयर ऐसे हो भी जाता है, लेकिन अमूमन ऐसे वालदैन और खास तौर पे अगर चूंकि हम अपनी बात करें तो माएं ऐसा नहीं करती। बच्चे जितने भी उससे मायूसी काम शिकार हो कि अब ये नहीं काम करेगा, फिर भी हम उस पर कोशिश करते रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। तो बेशक हम इंसान हैं, हमारे अंदर मायूसी भी आती है, हमारे अंदर रुकावटें भी खड़ी हो जाती हैं खुद अपने अंदर से, और हम छोड़ देते हैं कभी कभी। बिल्कुल जैसा बेशक हम इज्तमाईयत को ना छोड़ें, लेकिन हम अपनी कोशिश को छोड़ देते हैं क्योंकि हमारी भी बस हो जाती है। इंसान है, जाहिर है, टूट फूट का शिकार होता है, लेकिन उसको एक हद तक रखें, अपने आप को इतना मौका दें कि हाँ, इंसान होने के नाते हम टूटेंगे भी, हमें दुख भी होगा, हम शायद कभी रोएंगे भी, कभी हम बैठ भी जाएंगे, कभी हम छोड़ भी देंगे चीज को, लेकिन उसके बाद खुद को अपने आप को इतना स्ट्रांग करना है कि अगर कोई दूसरा साथ नहीं भी दे रहा और लग रहा है कि सबके सब मुखालिफ हैं और जो मैं कहती हूँ वो तो कोई समझता ही नहीं है, या जो मेरी बात होती है वो हमेशा ही डिनाई हो जाती है, या जिस तरह से भी जो जितनी भी नेगेटिव थिंकिंग आ रही होती है इंसान को, लेकिन अपने आप को हमने इतना स्ट्रांग करना है कि अपने अंदर से दोबारा वो पॉजिटिविटी निकले, जो कि अगर मेरे ख्याल में कि मेरी बात ठीक थी, यहाँ पर वो ज़ारा ईगो वाली चीज नहीं है, मैं चूंकि रसूलों के मुताले के हवाले से बात कर रही हूँ तो इसमें ईगो वाली चीज नहीं है, लेकिन चूंकि पता है कि मैं ठीक हूं और मुझे अपने आप को एनालाइज करने के साथ साथ ये बताना है कि मेरा मेरी जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरी जो राय है वो ठीक है, तो उस पे लगे रहना है, छोड़ना नहीं है। बहुत सारे अंबिया की ऐसी मसाल है कि एक अकेला बंदा पूरी कौम में से कई कई सालों की मेहनतों के बावजूद अकेला बंदा खड़ा रहा, लेकिन वो खड़े रहे ना, उन्होंने छोड़ा नहीं। तो बस मुझे यहाँ पे समझ में आता है कि अगरचे कि हमारा जाहिर है उनसे कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन जब हम टीम वर्क में काम कर रहे हो तो हमें अपने आप को खास तौर पे उनका वारिस समझना है, और खास तौर पे अंबिया से अपने आप को रिलेट करते रहना है कि अगर मेरी जगह फलां होते तो वो क्या करते, इस जगह पे अगर उनके साथ ये मामला पेश आता तो वो क्या करते। तो क्या मैं भी थक गई हूँ, चलो थक गई हूँ, ठीक है, दैट्स दैट्स ओके, लेकिन उसके बाद थकन खत्म भी मैंने खुद ही करनी है, और फिर खड़े भी मैंने खुद ही होना है, और फिर मैंने किसी और स्ट्रेटजी से या किसी और तरीके से अपनी बात को इस तरह से पहुंचाना है कि वो सुनी जाए और समझी जाए। और बिलफर्ज हर तरह से भी हम नाकाम हो जाते हैं आखिर में, चाहे बेशक यही आ रहा हो, अगर टूट फूट की बात की जाए कि यही आ रहा हो कि आप ही फूट के बाइस बनती हैं, आप ही टीम में से अकलौती हैं जो आप यूं करती हैं, या आप ही का ये कसूर है, लेकिन उसके बावजूद अगर आपको पता है कि आपने बात गलत नहीं की है तो आप अपने आप को कम से कम उस फूट से बचाएं, उस टूट फूट से बचाएं, और अपने आप को इतना स्ट्रेंथ खुद से दें। और जाहिर है कि ये अंबिया से जुड़े बगैर, कुरान से जुड़े बगैर मुमकिन ही नहीं है कि हम अपने आप को इतना मजबूत कर लें कि ठीक है कि अगर मेरी बात गलत नहीं है तो अव्वल तो कहीं ना कहीं सुनी जाएगी, कहीं ना कहीं उसका असर होगा, और बिलफर्ज अगर मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं होता ऐसा, तब भी पॉजिटिविटी ये होनी चाहिए कि वो जो अल्लाह ताला से उम्मीद का है कि अल्लाह ताला ने तो मेरी कोशिश देखी है ना। बाकी मैं बंद करती हूँ बस। जजाक अल्लाह खैरन कसीरा हुमैरा जी।
बहुत अहम गुफ्तगु थी, आपकी जानिब से भी अहम नुकात थे। अच्छा, आपकी बात सुनते सुनते एक पॉइंट मेरे भी जहन में आया, क्योंकि क्वेश्चन हमारा ये है ना कि फूड से कैसे बचा जा सकता है। मैंने एक कोट पढ़ा था कहीं कि यू विल फेस क्रिटिसिज्म एट एवरी स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। इसको हम टीम वर्क के सिनेरियो में भी ले सकते हैं इस कोट को। यू विल फेस क्रिटिसिज्म एट एवरी स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस, इट इज पार्ट ऑफ एवरी कैरियर, एवरी बिजनेस, एवरी लाइफ। यहाँ मैं ऐड कर दूंगी एवरी टीम वर्क। समटाइम्स जो गौर करने वाली बात है ना वो ये है कि समटाइम्स इट इज गिवन विद गुड इंटेंशंस बट पुअरली कम्युनिकेटेड। यानी ये भी एक अजीज साथियों फिर हमने नुकता सीखना है कि हमारा कम्युनिकेशन आपस में बड़ा अच्छा होना चाहिए, बहुत बहुत प्यारा होना चाहिए, ताकि बात समझ जाए, बात क्लिक हो जाए, बात दिलों तक पहुंच जाए, बात दिल पर असर कर जाए। यानी बात तो वो है जो दिल पर असर कर जाए ना। तो ये जो हमारा आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन है इसको हमेशा हमने बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहना। ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर जाता है टीम वर्क के अंदर, बहुत बड़ी अहमियत है इसकी और बहुत बड़ा रोल है। ठीक है जी, तैयबा आप बात कीजिए। अच्छा, मेरे पास तीन वैसे पॉइंट्स हैं और एक वैसे मेरा विचार, एक पैराग्राफ पढ़ने का, एक टेक्स्ट पढ़ने का, लेकिन वो आपकी इजाजत होगी तो, नहीं तो वक्त भी कम है हमारे पास। पहला मुझे लगता है कि असल में उमेली जी की बात ही को असल वो मतलब उन्होंने मेरा ही पॉइंट बोल दिया था कि ताल्लुक बिल्ला बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जितना अल्लाह से जुड़ते चले जाते हैं आप उतना पॉजिटिव हो जाते हैं, आपकी पर्सनैलिटी पॉजिटिव हो जाती है। बहुत कुछ आता है जो आपको उस तरह से हिलाता नहीं है, आपको परेशान नहीं करता, आप उसमें से भी अपने लिए कोई खैर तलाश करते हैं। मुझे सूरत आल इमरान की वो आयात, मुझे लगता है मेरी जिंदगी ने बहुत बहुत मतलब मैंने अपनी जिंदगी में इस इन आयात से बहुत सीखा है, जिनका तर्जुमा है कि को खुदाया मुल्क के मालिक, तो जिसे चाहे हुकूमत दे और जिसे चाहे छीन ले, जिसे चाहे इज्जत बख्शे और जिसको चाहे जलील कर दे, भलाई तेरे इख्तियार में है। और अगली आयत भी है ना, बेशक तो हर चीज पर कादिर। बहरहाल यानी पहली चीज है कुरान से जुड़ना, ये इंसान के अंदर पॉजिटिविटी पैदा करती है। जितना इंसान के अपने अंदर सकीनत होती है, जैसे भी मुजीन बाजी ने सुकून के हवाले से कोई बात की थी तो उस वक्त मेरे जहन में जुमला आया था, सुकून बाहर तलाश करने की चीज नहीं है, सुकून इंसान के अंदर की चीज है। जितना इंसान अंदर से मजबूत होता है, मेंटली वो जितना स्ट्रांग होता है, उतना उसके लिए चीजों को यानी हैंडल करना अल्लाह की तरफ से आसान हो जाता है। दूसरी चीज नस्बुलैन की बात आपने की थी, मुझे लगता है जो चीज हमें फूट से बचा सकती है वो वाकई नस्बुलैन है। लेकिन नस्बुलैन के हवाले से बस एक चीज जो मैंने समझी है वो ये है कि एक नस्बुलैन है जो जमात आपको देती है, वो जमात के असल में हर फर्द का नस्बुलैन होता है ना। जमात के नस्बुलैन को इनफरादी तौर पर अपना नस्बुलैन बनाना, कुरान भी हमें यही नस्बुलैन देता है। जो हमारा नस्बुलैन है वो असल में कुरान का यानी कुरान जो अपने कारी को नस्बुलैन देता है वो बेसिकली वही है। अल्लाह की रजा है, ईमान बिल्ला और आखरत की कामयाबी का हुसूल है ईमान बिल आखरत। तो जितना मैं इनफरादी तौर पर इस नस्बुलैन को अपना नस्बुलैन बनाऊंगी, जमात तो बना रही है ना, जमात तो कहती है ये हमारा नस्बुलैन, लेकिन जब तक ये मेरा नस्बुलैन नहीं बनेगा तब तक मैं बहुत से मसाइल को हैंडल नहीं कर सकती। और तीसरा पॉइंट ये था कि जब हम मतलब अभी कम्युनिकेशन की बात आई थी, कम्युनिकेशन में मुझे लगता है जो बहुत अहम चीज़ है जो मैंने सीखी है समझी है वो ये है कि जब हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो समटाइम्स हम जहां से हम शुरू किया होता है ना हमने चीज को, हम एंड पे भी वहीं होते हैं। यानी अपने ही नुक्ता नजर के ऊपर जमे रहना ये इंसान को सीखने के अमल से बहुत दूर रखता है। बहुत जरूरी है कि जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, जब आप डिस्कस कर रहे हैं, जब आप समझ रहे हैं, जैसे आसिया वाली बात है कि आसिया ने जब बात शुरू की तो उनके जहन में कुछ और चीजें चल रही थी, लेकिन जब बात का एंड हुआ तो उनका जहन मुतमईन था। तो सीखने के लिए आए तो इंशाअल्लाह ताला अपने साथियों के पास, तो इंशाअल्लाह ताला इंसान बहुत कुछ सीख भी सकता है, समझ भी सकता है और अपने अंदर से निकाल भी सकता है। अब आलिया अगर आपकी इजाजत हो तो टेक्स्ट पढ़ू, नहीं तो बस फिर इंशाअल्लाह मैं छोड़ देती हूँ बात को। तैयबा जी जज़ाकअल्लाह खैरन कसीरा बात रखने के लिए, बहुत माजरत इस वक्त जो हमारे पास वक्त है, मैं चाह रही थी कि हम अपना ये जो फ्रेम है आज का इसको कंप्लीट कर लें। इंशाल्लाह आप अगले सेशन में किसी वक्त जरूर पढ़िएगा। मुजैन ने आय लिखा है, मुजैन जी आप इंशाल्लाह जरूर बात करेंगी जो आपने करनी है, लेकिन इसमें फिर मेरी तरफ से भी एक शर्त है, आप समझे एज क्लास कंडक्टी
कि ये जो हमारा अगला सवाल है इसका जवाब भी आप ही दे दीजिएगा। सवाल था कि सेकंड टेक्स्ट के आखिरी पैराग्राफ की पहली लाइन में तनाजा लिल बका की इस्लाह इस्तेमाल हुई है, इससे क्या मुराद हो सकता है। मैं जानती हूँ आप थोड़ी देर के लिए अवे हुई हैं, मैं जल्दी से आपको वो पैराग्राफ सुना देती हूँ, फिर आप हमें बताइएगा कि तनाजा लिल बका क्या है ना, यानी इससे क्या मुराद है। वो आखिरी सत्रें ये थी कि इस्लाम ने इज्तमाईयत की बुनियाद ईमान मोहब्बत और इसार पर रखी है, इस बुनियाद पर इस्तवार होने वाले ताल्लुकात वाहनी चट्टान होते हैं जिससे टकरा कर बड़े बड़े तूफान भी सिर्फ अपना सर ही फोड़ सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। फिर इन बुनियादों पर वो माशरा उस्तवार होता है जिसमें तनाजा लिल बका, यानी ये है जिसपे फोकस करना है मुजीन आपने, फिर इन बुनियादों पर वो माशरा उस्तवार होता है जिसमें तनाजा लिल बका की जगह ताउन और इश्तरा के अमल रोनमा होते हैं, जहां शख्स दूसरे का सहारा होता है और हर फर्द दूसरे का माविन और मददगार, जहां गिरते हुए को गिरने नहीं दिया जाता बल्कि बीसियों हाथ इसकी मदद के लिए आगे बढ़ जाते हैं, और जहां पीछे रहने वालों को छोड़ नहीं दिया जाता बल्कि सहारा देकर आगे बढ़ाया जाता है। ये माशरा फर्द को मुश्किलात का मुकाबला करने के लायक बनाता है और गिरतों को थामने का काम अंजाम देता है। जी मुजीन। अच्छा, ये जो सर के टेक्स्ट तो काफी पहलुओं से गौर करने वाला है, शायद बहुत इजी नहीं है एकदम उसकी पूरी निचोड़ दे देना, लेकिन बहरहाल कोशिश करती हूँ। मेरी आवाज ठीक आ रही है? मैंने जरा वो लगाए हुए। जी आपकी आवाज बिल्कुल साफ है, थोड़ी लो है लेकिन हमें साफ सुनाई दे रही है, आप बात कीजिए। अच्छा ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैंने पहला वाला जो पॉइंट था मैं पहले उसमें मुख्तसर सी बात रखती हूँ, बिल्कुल छोटा सा पॉइंट है कि फूट जो है उससे कैसे बचा जा सकता है, या फूट चीज क्या है। मुझे लगता है कि जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जिस वक्त आप टूट गए उस वक्त वो फूट थी असल में, और इस फूट को समझने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम दूसरे के शूज में पांव डाल के बात कर को समझना सीखें। अगर हम सिर्फ अपने शूज में रहे कभी भी चिटाने जरूर खड़ी हो जाएंगी, फूट नहीं खत्म होगी, क्योंकि आपने एक चिटान के आगे दूसरी चिटान को खड़ा किया। और इज्तमाईयत में फिर आपकी लीडरशिप जो होती है उसको समझना, उसकी अताअत करना, इसीलिए मौलाना ने इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस दी हुई है इस चीज को कि आपको बाकी अताअत करनी आनी चाहिए, चाहे आपकी राय कहीं पर भी जाती हुई हो। तो ये फिर चीजें फूट से बचा सकती हैं, कि बहरहाल इसके अंदर भी बहुत सारे और पहलू हैं जो कि समझने की जरूरत है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना ये गलत नहीं है, हर एक का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यूज को समझना और दूसरे के पॉइंट को एक्सेप्ट करना ये सीखने का प्रोसीजर है, ये पॉइंट को मनवाने का नहीं है, सीखने का प्रोसीजर है। एक बात जो तनाजा लिल बका वाली आपने बात की है, ये एक बड़ा मतलब मैं उसको अगर तारीख के हवाले से समझूं तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत गहरा पॉइंट है। बहुत सारी चीजें अल्लाह ताला इस दुनिया के अंदर ही अप्स एंड डाउन्स, ऊपर और नीचे, किसी को नीचे गिरा देता है, किसी को ऊपर उठा देता है। अभी मैं पढ़ रही थी कुरान में कि शायद हजरत यूनुस का ही तस्करा था उसके उन आयात के अंदर, और ये कि फिर अल्लाह ने उनके लिए, वहां से मेरे जहन में मैंने उसको पिक किया था कुरान पढ़ते हुए, कि फिर अल्लाह ने पौधा उगा दिया और फिर वो वापस गया और फिर उस कौम को अल्लाह ने एक मुद्दत तक चलने का मौका दिया। अच्छा, ये जो चीज है कि आपके हर वक्त एक जंग है ना, जिससे कि इंसानियत गुजर रही है, इंसान खुद भी गुजर रहा है और इंसानियत भी गुजर रही है। बका उसी के लिए है जिसके अंदर बाजुकत बहुत शुरू में जब ये हमारा सिलसिला शुरू हुआ था और कई चीजों के साथ जहनी तौर पे मैं गुजरती रही, तो उस वक्त मेरे अंदर फिर ये ख्याल आया कि वो दिल तो चाहता है कि बंदा ये कहे कि जरा इनको पता चले ना कि भाई मैं हक पे थी, मैं सही थी। फिर मुझे ख्याल आया कि नहीं, वो ये तो अल्लाह जानता है कि हक पे कौन था। और फिर मुझे ये ख्याल आया कि हमारे अंदर कुछ होगा, कोई चीज होगी तो अल्लाह हमें बका देगा ना, नहीं तो हम तो उड़ जाएंगे, वरना हम अच्छी नीयत के बावजूद बह जाएंगे। तो फिर मुझे खौफ आया था कि ये नहीं है, ये कोई जंग नहीं है कि मैं अपने आप को मनवा के छोड़ूंगी कि हाँ मैं सही थी, बल्कि मैं ये देखूं कि मैं अल्लाह के यहाँ भी मकबूल हो रही हूँ कि नहीं हो रही हूँ, और मेरे अंदर कुछ है भी कि नहीं जो अल्लाह चीज को बका देगा। तो जो दूसरा रुख आपने टेक्स्ट के अंदर पढ़ा है वो एक बहुत आइडियल चीज है ना, मतलब मैं उसको आइडियल समझती हूँ कि आपस में इश्तराक और मोहब्बत और ताउन के साथ फिर आप चलें। हम एक हद तक कामयाब हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं समझती हूँ कि हमने इतने तो पेड़े खाए हैं
इस इज्तमाइयत के साथ खवातीन को इकट्ठे जोड़े रखने में और इश्तराक और ताउने अमल पैदा करने में कितने थपेड़े खाए हैं, लेकिन कभी कभी मैं और ज़ाहिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझती हूँ कि उन थपेड़ों से उसमें क़यादत का एक रोल था और वो हम कामयाब भी हुए। लेकिन दूसरी तरफ मुझे डर भी लगता है कि ये जितनी इंटेंसिटी है ना ये इस फूट की और उस तरह के अमल को तोड़ने की जितनी इंटेंसिटी है, अगर आज हमारे दरमियान वो नए अफराद पैदा ना हुए जो अपने मसलों को लेके चलने की बजाय दूसरों के मसलों को सॉल्व करने वाले बन जाएं, यानी जिनको ये ना पता हो कि मैं हक पर हूँ और मैं ही हक पर थी और मैं ही हक पर रहूंगी, बल्कि उन्हें ये पता हो कि हक है क्या और मुझे मसाइल को हल करना दूसरों के दूसरे जब खड़े होंगे तो मैं कैसे इस चीज को सॉल्व करने का जरिया बनूंगी। एक छोटी सी बात बीच में ख्याल आ गया तो मैं बता देती हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम शुरू में चले थे तो मुझे याद है कि मैं बड़ी मुतासिर हुई थी आलिया की इस बात से, ये मुझे बता देती थी जो भी चीज होती थी हर चीज से आगाह रखती थी, देखिए मुजैन ये चीज हुई है ध्यान दे ले ध्यान रख ले। मुझे लगता है मुझे पीठ पीछे कुछ भी ना पता चलता कि कहाँ क्या हो रहा है और हम बहुत जल्दी उड़ जाते। तो लेकिन एक बहुत बड़ी क्वालिटी है कि आपको ये नजर हो कि आपने दूसरे को बताना है कि बाजी यहाँ पे ये चीजें ठीक नहीं है, इसको आप देख लें, इसकी आप इसको समझ लें वक्त के ऊपर ना। तो मुझे लगता है कि मतलब ये बका आपकी तब है दुनिया में, तो बहरहाल दुनिया में भी बहुत मुश्किल है और आखिरत में अगर आपको कोई मकाम मिलेगा तब जब ये मकबूल होगी अल्लाह के हाँ। और मैं मुझे पता है कि हजरत इब्राहिम की तरह दीवारें उठाते हुए ना एक आजजी के साथ मांगना चाहिए कि रब्बाना तकब्बल मिन्ना रब्बाना तकब्बल मिन्ना, बस हमारे पास और कुछ भी नहीं है तनाजा बका के लिए कि हम कहें रब्बाना तकब्बल मिन्ना, अल्लाह हमसे कबूल कर ले जो हम कर रहे हैं। हम पता है मैं आज सुबह भी सोच रही थी कि अल्लाह मैं इंसान हूँ, हम सब इंसान है, वैसियत इंसान, हमारी इंसानी कमजोरियों के साथ आते हैं तेरे दीन के काम पे, पर तू हमें बचा के रखना और तू इसमें बरकत दे देना, बस तेरी चीज चाहिए हमारे अमल को ना देखना। तो बस मुझे ये लगता है कि ये एक डिफिकल्ट सी चीज है, बका आपकी तभी है जब आप अपने अंदर नेकी को तलाश करने की और उसको उसको मजबूती से पकड़ने की सलाहियत पैदा करें, आपकी नजर वो पहचान पैदा हो जाए जहां आप ये कहें कि हाँ ये नेकी थी ये नेकी है और मैंने इस नेकी को असल में उस वक्त मेरे दरवाजे पे आई थी मैंने छोड़ दिया था रोक दिया था, तो ये चीज पैदा हो जाए तो इंशाल्लाह अल्लाह में देगा। मैं बहुत बोल गई आलिया बंद कर रही हूँ। जजाकल्ला खैरन कसीरा मुजैन जी, और आपकी बात को बढ़ाते हुए मेरी तरफ से जो पॉइंट है कि जी साथियों अगर हम लफ्ज़ टीम को ही देख लेना, टीम क्या है अंग्रेजी का जो लफ्ज है ये इसके स्पेलिंग्स हैं TEAM और इसको इस तरह भी समझा जा सकता है कि टी फॉर टुगेदर, ई फॉर एवरीवन, ए फॉर अचीव, एम फॉर मोर, यानी टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। तो मेरी नजर में यही ताउन और इस तरह के अमल है। ठीक है जी साथियों, अब हम तीसरे टेक्स्ट की जानिब बढ़ते हैं और जो साथी भी इसकी तिलावत करना चाहे प्लीज सॉरी तिलावत का रीडिंग करना चाहे आप आए लिखे इंशाल्लाह आपको रीड करने का मौका देती हूँ। तीसरा और आखिरी टेक्स्ट है, नौशीन जी या रिजवाना जी या कोई भी साथी जो भी टेक्स्ट 3 आखिरी टेक्स्ट है हमारा इसको रीड करना चाहे जी उम्मे अली प्लीज। हमारे मोहतरम दोस्त और यहीं से शुरू होगा, हमारे मोहतरम दोस्त और अजीज भाई खुर्रम जाह मुराद ने इस्लामी तहरीक के कारकुनों की इसी बुनियादी जरूरत को पूरा करने के लिए यह रिसाला मुरतब किया है। खुर्रम मुराद मुल्क के उन चंद नौजवानों में से हैं जिन्होंने मगरबी तालीम के बावजूद दीनी इल्म के हसूल की नुमाया कोशिश की और काबिल रश्क कामयाबी हासिल की। अगर फूल अपनी खुशबू से पहचाना जाता है तो उनकी तालीफ हमें उनकी फिक्र और मिजाज को समझने में बड़ी मदद देती है। दरअसल जेरे बहस मसले के तीन पहलू हैं। अव्वल, इस्लाम इस इज्तमाई जिंदगी को बरपा करने और कायम रखने के लिए फर्द की सीरत में किन बुनियादी खसूसियात को जलवागर देखना चाहता है। दोम, इन बुनियादों को मुनहदिम करने वाली और उनको कमजोर करने वाली चीजें कौन सी हैं ताकि उनसे बचा जाए। सोम, इन बुनियादों को मजबूत करने वाली और उनको तरक्की देने वाली सिफात कौन सी हैं ताकि उन्हें इख्तियार किया जाए। आगे पढ़ने
जी उम्मे अली पूरा टेक्स्ट पढ़ने खुर्शीद अहमद साहब के नाम तक। मुसन्निफ मोहतरम ने इन्हीं तीनों सवालों के जवाबात नहायत शराव बस्त के साथ देते हैं और हमें तवक्को है कि अगर इस्लामी तहरीक के कारकुन इनको पूरे गौर से पढ़ें और इनको इख्तियार करने की कोशिश करें तो वो अपनी इज्तमाई जिंदगी को ईमान मोहब्बत और इसार के इन फूलों से आरास्ता कर लेंगे जो गुलशन हयात को आशनाए बहार देते हैं करते हैं। इस किताब के इस्तफादे के सिलसिले में एक बात रुफका के पेशे नजर रहे, तमाम चीजें इंसान फौरन ही हासिल नहीं कर सकता। तामीर सीरत के मंसूबे की पूरी स्कीम को समझ लेने के बाद हमें चाहिए कि एक एक चीज लें, इसे खूब जहन नशीन कर लें और फिर इसे इख्तियार करने की कोशिश करें और इसी तरह एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी चीज लेते जाएं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु के मुतालिक रिवायत है कि आप रजी अल्लाह अन्हु ने सूरह बकरा 7-8 साल में मुतालिया की थी। अब आप जब आपसे इस्तफसार किया गया तो आपने जवाब दिया कि मैं एक चीज को पढ़ता हूँ, उसको इख्तियार करता हूँ और फिर आगे बढ़ता हूँ। हकीकत यह है कि तामीर सीरत के लिए एक तदरीजी मुसलसल और अंतक कोशिश की जरूरत होती है, महज मुताला उसके लिए काफी नहीं। ये मकसद तो पहम सयो जोहद से हासिल होगा। फिर ये थोड़ा सा टेक्स्ट खूब याद रखिए, फिर खूब याद रखिए कि ये राह नशेब व फराज की है और उससे कामयाबी का राज हिम्मत और एतमाद के साथ जिद्दोजहद में मुजमिर है। कामयाबियां नाकामियां आएंगी मगर इनका मुकाबला करना है। मुश्किलात दावत मुबाजरत देंगी मगर उन्हें अंगीख्त करना है। दिक्कतें पेश आएंगी मगर उनसे लड़ना है और उनको शिकस्त देना है। ये तो इस राह के लाजमी मराहिल हैं। क्या इनसे शिकस्ता हो जाएं? शिकस्ता खातिर हो जाएं। हाँ उम्मीद मुझे नहीं समझ में आ रही। अच्छा ठीक है, शेर उसके बाद आखिर में लिखा हुआ है कि ये तो इस राह के लाजमी मराहिल है, क्या इनसे शिकस्ता खातिर हो जाएं? शेर जुए खून सर से गुजर ही क्यों ना जाए, आस्ताने यार से उठ जाएं क्या। ठीक है मैं एक दफा बल्कि फिर पढ़ती हूँ। जुए खून सर से गुजर ही क्यों ना जाए, आस्ताने यार से उठ जाएं क्या। तो ये प्रोफेसर खुर्शीद अहमद साहब का दिबाचा था। अजीज साथियों खुर्रम राज साहब का तारुफ इसमें आया है, उनके बारे में तो मैं आपको शुरू में बता चुकी हूँ। इज वन ऑफ माई वेरी वेरी फेवरेट ऑथर और तहरीक इस्लामी से मुराद मैं इनकी हमेशा लेती हूँ कि जहां जहां दुनिया में उम्मत मुस्लिमा की अफराद कोशिश करते हैं, टीम वर्क करते हैं, तो खुर्रम राज साहब ने बहुत खूबसूरत और उम्दा लिटरेचर अपनी जिंदगी में हम सबके लिए लिख दिया। आज हम इसे इस्तफादा करें, इंशाल्लाह इनके लिए सदका जारिया बनेगा। बहरहाल अब मेरा आज का आखिरी सवाल यह है कि ये जो आखिरी टेक्स्ट था इसका लुब्बे लुबाब क्या है और मैंने इससे क्या सीखा। जो साथी जवाब देना चाहते हैं इस आखिरी सवाल का जरूर दें। इस जो टेक्स्ट आपने अभी सुना इसका लुब्बे लुबाब क्या है और मैंने इससे क्या सीखा। जी कौन साथी जवाब देना चाहेंगी, क्योंकि अगर मुझे कोई आय लिखा नजर ना आया तो मुझे ये समझ आएगी कि हमें कुछ समझ नहीं आया जो हम बयान करें। जी समरीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। इसका लुपे लुबाब तो मैं समझ सकी हूँ। अपने नाकिस राय में ये कहूँगी कि अपनी ज़ाती गर्ज को छोड़कर, अपनी इनफरादी बका को छोड़कर इज्तमाईयत की तरफ जुड़ना, जहाँ अफराद को तनहा नहीं छोड़ा जाता। और सबक यही है कि इस्लाम इज्तमाई ज़िंदगी में फ़र्द में जिन बुनियादी खसूसियात को देखना चाहता है, मैं वो खसूसियात अपने अंदर पैदा करूँ, कोशिश करूँ, तभी मैं टीम वर्क कर सकूँगी और इज्तमाईयत का हिस्सा बनूंगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। जज़ाकअल्लाह खैरन कसीरा। जी और जी उम्मे अली। अच्छा मुझे इसमें एक बात समझ में आई है कि तामीर सीरत जिसको अगर अंबिया की दावत से समझते हैं तो उसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि तज़किया नफ्स जो है तज़किया के लिए अंबिया को भेजा गया था, तो हर फर्द
खास तौर पे हम जब जाहिर है कोई जिम्मेदारी लेते हैं तो उसके बाद हमें लगता है कि अच्छा हम अब सीनियर हो गए हैं या हम अब इतने समझदार हो गए हैं कि हमें चीजों की समझ में आने लगी, अब हमने आगे समझाना है। तो अपनी जो चाहे कि मैं कह लें इसको या फिर ये कि अपनी अहमियत तो चलें जो होती है वो होती ही है, लेकिन आजजी इख्तियार करना, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बार बार कुरान में कहा जाता है कि आप जब ये काम कर लें फिर उसके बाद इस्तग़फार करें। और इस्तग़फार वैसे ही कुरान में इस्तग़फार का भी बहुत ज्यादा हुक्म है, हदीस में भी हुक्म है। तो यानी अपना तज़किया करते रहना, अपनी शख्सियत की तामीर करते रहना, और फिर उसमें कौन सी चीज मेरी शख्सियत को मजीद निखार सकती है, जो अभी इन्होंने तीन पॉइंट्स लिखे हुए थे उसी के हिसाब से हम देख लें, और कौन सी चीज है जो शख्सियत को बिगाड़ रही है, उसके ऊपर मुसलसल निगाह रहना और मुसलसल काम करते रहना। यही चीज है जो कि हमें जोड़े रखती है टीम के साथ भी, अल्लाह के साथ भी, और अपने मकसद के साथ भी, और बार बार दोहराई करते रहना। मैं बंद करती हूँ। जज़ाकअल्लाह खैरन कसीरा उम्मे अली, बहुत अच्छा जवाब था। और अजीज साथियों, मेरी तरफ से भी आखिर में जो समअप है लुबे लुबा, वो मैं लिटरेचर की मदद से ही आपके सामने रखूंगी। मेरे पास किताब है इस वक्त कारकुन और क्यादत तहरीक के तकाजे, ये भी खुर्रम मुराद साहब की है। मैंने आपको पहले बता दिया था कि ही इज वन ऑफ माय फेवरेट ऑथर। मैं जो समअप है उसको इन्हीं के अल्फाज में रखती हूँ। किसी इज्तमाही तहरीक का सबसे बड़ा अहम वसीला, बल्कि सही मानों में वाहिद वसीला, सरमाया और असासा इंसान होते हैं। इसकी ताई इस आयत से भी होती है, हमने पीछे सूरह अनफाल की आयत को उसमें कोट किया हुआ था। इसकी ताई इस आयत से भी होती है जिसका जिक्र मैंने ऊपर किया है। वैसे भी तजर्बात इस पर शाहिद है कि माल, जगह और मादी वसाइल की कमी की तलाफी हो सकती है और इनके बगैर भी बड़े बड़े काम हो जाते हैं, लेकिन अगर इंसान कमजोर हो या ना हो तो इसकी तलाफी मुश्किल से होती है। मुश्किल ये है कि इंसान बने बनाए नहीं आते कि सब मतलूबा साइज और शक्लो सूरत के मिल जाएं, और ना कोई ऐसी मशीनें ही पाई जाती हैं जिन पर इंसानों को चढ़ा दिया जाए और सब एक एक सांचे और मियार के ढल कर निकल आए। अजीज साथियों, आप इसको टीम वर्क के सिनेरियो में अगर समझें तो कितनी अहम बात है कि मुश्किल ये है कि इंसान बने बनाए नहीं आते कि सब मतलूबा साइज और शक्लो सूरत के मिल जाए, और ना कोई ऐसी मशीनें ही पाई जाती है कि जिन पर इंसानों को चढ़ा दिया जाए और सब एक सांचे और मेयार के ढल कर निकल आए। या जूते की फैक्ट्री की तरह एक तरफ से फर्द को मशीन में डाला जाए और दूसरी तरफ से जिस साइज, जिस तर्ज और जिस नमूने का फर्द चाहिए वो निकल आए। हर इंसान इंफरादियत का हामिल होता है, शख्सियत, जहन, नफ्सियात, माशरत, खानदान और आदात, ये तो अलग बात है। हर इंसान की उंगली की लकीरें तक एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। कोई दो इंसान इस लिहाज से एक जैसे नहीं होते। इससे ये भी मालूम होता है कि दो मुख्तलिफ इंसानों को एक ही लाठी से हांकने की कोशिश करना भी मुनासिब नहीं। हर इंसान एक अलग शख्सियत का हामिल है, यही अल्लाह ताला की तख्लीक का तनाव है। किसी मशीन से चीजें बनाना तख्लीक नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने खुद ही इशारा किया है कि ना सिर्फ इंसान बल्कि हर चीज में तनाव पाया जाता है। सूरह रात को कोट किया और तर्जुमा, और देखो जमीन में अलग अलग खित्ते पाए जाते हैं जो एक दूसरे से मुतसिल वाकिया हैं। जमीन के टुकड़े मुख्तलिफ होते हैं, हर फल नई शक्ल, नई सूरत और नए जायके का होता है, जिस बात की अलामत है कि ये खालिक की कायनात है, ना कि किसी मशीन की जो एक ही किस्म की चीजें बना बना कर निकालती है। इस लिहाज से अगर इंसान मुख्तलिफ भी हो और मुनफरिद भी और बने बनाए भी नहीं मिलते हो और जरूरत के मुताबिक बनाना भी जरूरी हो, तो फिर ये नागुजीर है कि इनको बनाने के लिए, इनकी नशो नुमा और तरबियत के लिए कोई निजाम बनाया जाए और कोशिश की जाए कि जो लोग भी हमारे साथ हैं, हम तस्किया और तरबियत के जरिए इनको ऐसा इंसान बनाने की कोशिश करें। मैं बना लेने का लफ्ज नहीं बल्कि बनाने की कोशिश करें का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, जिससे हमारे मतलूबा मकासिद पूरे हो सकें। अजीज साथियों, ये था आज का हमारा लिटरेचर का पहला सेशन, अल्हम्दुलिल्लाह जो मुकम्मल हुआ है, 4 मिनट ऊपर हो चुके हैं। मैं मुख्तसर दुआ करवा देती हूँ, आइंदा बाकी साथी भी दुआ करवाया करें। क्लास के हवाले से क्लास ग्रुप में अपना फीडबैक जरूर लिखिएगा अगर आपके लिए मुमकिन हो। मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता نستغفرك ونتوب إليك في أمان الله.